प्रभु का दास को हम लोग पूरा टाइम देंगे, आप लोग सब प्रार्थना का हालत में बैठे, खाली उनका द्वारा चील चमत्कार के नहीं, मैं कुछ हमारा घर में कुछ रिकॉर्डिंग हो रहा था, उनका कुछ मैसेज भी मैंने सुना, बहुत क्या बोलेंगे, पवित्र आत्मा का द्वारा ही उन्होंने वचन को बोलते हैं। हालेलुया, आप लोग प्रार्थना का हालत में बैठिए और प्रभु आपका साथ बातचीत करने के लिए आप लोग यहाँ पर तैयार हो गए। यीशु मसीह के बारे में हम थोड़ा देखने का बाद फिर प्रभु का दास लोग को हम लोग टाइम देंगे। मेरे साथ लुका रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय उसका 3 पद से थोड़ा सा पढ़े, मैं चल जरा पढ़े जिसके मिला जल्दी जल्दी पढ़िए। लुका रचित सुसमाचार 4 अध्याय उसका 3 पद से जाते हैं। तब शैतान ने उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से कहा रोटी बन जाए। यीशु ने उससे उत्तर दिया, लिखा है मनुष्य केवल रोटी से जीवित ना रहेगा। तब शैतान उससे ले गया और उसको पल भर में जगत के सारे राज्य दिखाए और उससे कहा, मैं यह सब अधिकार और इनका वैभव तुझे दूंगा क्योंकि वह मुझे सौंपा गया है और जिससे चाहता हूँ उसी को दे देता हूँ। इसलिए यदि तू मुझे प्रणाम करे तो यह सब तेरा हो जाएगा। यीशु ने उससे उत्तर दिया, लिखा है तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। देखिए यीशु मसीह इस दुनिया में आए, जब यीशु मसीह इस दुनिया में आए ध्यान से सुनिए, शैतान उनको परीक्षा किया, शैतान परीक्षा किया, शैतान यीशु मसीह को बोलता है ये सारे जगत का जो कुछ है वो सब मुझे सौंपा गया, वो सब मुझे सौंपा गया है, जिसको मैं चाहता हूं मैं उसको देता हूं, अगर तू मुझे प्रणाम करेगा तो ये सारे चीज मैं तुझको दूंगा। कौन किसको बोल रहा है? शैतान किसको बोल रहा है? यीशु मसीह खुद परमेश्वर है। यीशु मसीह को शैतान बोल रहा है ये जगत का जितना सब है वैभव धन संपत्ति सब मुझे सौंपा गया है और मैं जिसको चाहता हूं उसको देता हूं, अगर तू मुझे प्रणाम करेगा तो। किसको बोलता है जानते? ईश्वर को बोलता है शैतान। मुझे अगर तू प्रणाम करेगा तो मैं उसको यीशु मसीह वाला लिखा है केवल परमेश्वर को प्रणाम कर। हालेलुया, हम लोग केवल परमेश्वर को ही प्रणाम करें। सिर्फ परमेश्वर का सामने हमारा सिर झुकना है। जब परमेश्वर का सामने आप सिर झुकाते हैं तो दुनिया में आप सिर उठाकर चल सकते हैं। शैतान यीशु मसीह को बोलता है मुझे आप तुम अगर प्रणाम करेगा ये सारे संपत्ति मैं तुझे दूंगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ संसार का ईश्वर कौन है? शैतान। संसार का ईश्वर शैतान। बाइबल में लिखा है दूसरा कुरंथी में अगर आप आएंगे, दूसरा कुरंथी उसका 4 अध्याय 4 पद जरा पढ़िए। और उन अविश्वासियों के लिए, उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है। देखिए संसार की ईश्वर ने क्या कर दिया उनका ज्ञान चक्षु को उनका बुद्धि को अंधी कर दिया। कौन लोगों का अंधी कर दिया? अविश्वासी लोगों का। जो लोग यीशु मसीह को विश्वास नहीं करते हैं उन अविश्वासियों का आंखों को शैतान अंधी कर दिया। क्यों अंधी किया? ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है। देखिए मसीह यीशु मसीह कौन है? परमेश्वर का प्रतिरूप है। हालेलुया, मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजोमय सुसमाचार का, उसका तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके, उन पर ना चमके। क्यों बंद करके रखा आदि उन लोग का मन को आंखें को? क्योंकि तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उनका ऊपर ना चमके। ओडिया में लिखा है जगत पति
जगत का जो पति है, संसार का जो ईश्वर है, उन्होंने उन अविश्वासियों का मन को अंधा कर दिया है, ताकि ये तेजोमय सुसमाचार का चमक प्रकाश उन पर ना चमके। हालेलुया। आप लोग विश्वासी है क्या? अविश्वासी है? मुझे विश्वासी है। थोड़ा जोर से बोले, विश्वासी है। बाइबल में लिखा है, रोमी में, सब ने पाप काम किया, रोमी उसका 3 अध्याय, रोमी उसका 3 अध्याय उसका 10 और 11 पद। जैसा लिखा है, कोई धर्मी नहीं, कोई धर्मी नहीं है, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई समझदार नहीं, ईश्वर का कोई खोजने वाला नहीं। हालेलुया। एक भी धार्मिक नहीं। उसके 23 पद में क्या लिखा है पढ़ी? इसलिए कि सब ने पाप किया है। ध्यान से सुनिए, मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, कितना जन को हिंदी समझ में आता है? चला हाथ उठाइए। हालेलुया। सब बात है नहीं, सब ने पाप काम किया। यहाँ जितना दिन बैठा है, कौन बोल सकता है मैं पाप नहीं किया हूं? जरा हाथ उठाओ। हम लोग सोचेंगे यही धर्म है। कोई कौन यहाँ जितना यह हॉल में जितना दिन बैठा है, हम लोग साथ में, कोई ऐसा है जो पाप नहीं किया है कि नहीं? आप लोग मुंह है, पाप किए हैं कि नहीं किए? बोले अरे पाप किए हैं, फिर बोलने के लिए शर्म क्यों? या कोई है ऐसा जो पाप नहीं किया है? कोई नहीं, कोई नहीं। अंदर ठीक जवाब, एक भी धर्मी नहीं, सब ने पाप काम किया। कोई नहीं बता सकता है मैं पाप नहीं किया। मैं आप लोगों को बताया ना, मैं बहुत सारा पाप काम किया। मैं आप लोगों को बताया, आप लोगों से भी अधिक पाप मैंने किया हूं। बाइबल में लिखा है, कोई भी सब ने पाप काम किया। अब बोलेंगे वो बच्चा रोहित, वो क्या पाप काम किया है? 3 साल का बच्चा क्या पाप काम किया है? अब बोल सकते हैं, 3 साल का बच्चा के अंदर में भी लोभ है, दूसरा को देने से उसका भी हिस्सा है ना? तो कौन सिखाया उसका माँ बाप पाप काम करने के लिए सिखाया? नहीं। बाइबल में लिखा है, भजन संहिता 51, इस बात को दाऊद जानता था, 51 भजन 51 का उसका 5 पद जना पड़े। जिसका मोबाइल बजेगा मोबाइल ले लेंगे। देख मैं अधर्म का साथ उत्पन्न हुआ। यहाँ देखिए, दाऊद कहता है अधर्म का साथ में उत्पन्न हुआ, और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। देखिए, आप लोग जब माता का गर्भ में थे तब ही आप पापी थे। हालेलुया। जब आप मां का गर्भ में थे, बाइबल में लिखा है, तब से आप पापी थे। हालेलुया। यहां हम लोग जितना जन बैठे हैं, दुनिया में जितने जन को देख रहे हैं, सब मां का गर्भ से ही 9 महीना, कोई 8 महीना, कोई 7 महीना, कोई 10 महीना रह के पैदा हुआ। और माँ का गर्भ में ही हम पापी थे। माँ का गर्भ में ही पापी आप कैसे? अरे बोलता है बच्चा क्या पाप काम किया? लेकिन बाइबल में बताता है जब हम माँ का गर्भ में थे तभी हम पाप से पैदा हुए। सोचने का बात है नहीं, हम माँ का गर्भ में कैसे पापी? मैं बताता हूं, बाप का खून, पिताजी का खून उसका बच्चा में है ना? आपका शरीर में जो खून बहता है वो खून आपका पापा का, आपका पापा का अंदर में जो खून बहता है वो पापा का, पीढ़ी से पीढ़ी चलता है। पापा का खून बच्चा लोग का खून में ही पाप। हालेलुया।
पिछले भाई में मिलकर सबने पाप काम किया, एक भी धर्म नहीं, मां का धर्म में ही हम पाप में पैदा हुए, कोई नहीं बता सकता है। मैं धर्मी हूं, मैं पाप नहीं किया, क्योंकि पाप में हम पैदा हुए। हालेलुया। लेकिन बाइबल में लिखा है, देखिए अब ब्लड टेस्ट कराने के लिए जाते हैं ना, है? खून टेस्ट करने के लिए, खून में क्या है, एचआईवी है, एड्स है, टीबी है, क्या है, टेस्ट कराने के लिए आप लोग जाते रहते हैं ना। खून में डॉक्टर लोग टेस्ट करके बताते हैं क्या चीज बीमारी है, लेकिन ध्यान से सुनो, कोई डॉक्टर नहीं बोलता है आपका खून में पाप है। कोई डॉक्टर बोलता है जब खून टेस्ट करते हैं, कितना बड़ा हॉस्पिटल में जाइए आप पूछेंगे मेरा थोड़ा खून टेस्ट करा दो, पाप है कि नहीं, क्योंकि डॉक्टर भी खुद पापी है। पाप के लिए इलाज दवाई दुकान में नहीं मिलता, कहीं नहीं मिलता। बाइबल में लिखा है यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों को धोता है। हालेलुया। पाप से बचने के लिए, पाप से छुटकारा पाने के लिए हमें यीशु मसीह का खून चाहिए। हालेलुया। ध्यान से सुनिए, अगर आप लोगों के जीवन में जैसे मैंने बोला प्रभु के दास के द्वारा मुक्त जिंदा हुआ है, कितना अद्भुत काम हुआ, अगर आप लोगों के जीवन में आज अद्भुत काम चाहते हैं आप ध्यान से। हालेलुया। मैं आप लोगों को तैयारी कर रहा हूँ आश्चर्य ज्ञान में आप लोगों का जीवन में होने के लिए, मैं आप लोगों को तैयारी कर रहा हूँ। हालेलुया। केवल यीशु मसीह का खून ही हमारा पाप धो सकता। पहला जोहना में लिखा है, पहला जोहना एक अध्याय उसका 9 पद में लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान लें, यदि हम अपने पापों को मान लें, तो वह हमारे पापों की पापों को क्षमा कर ले और हमें सब अधर्म से शोध करने में विश्वास योग्य और धर्मी। देखिए, यदि हम हमारे पापों को मान ले, यदि आप अपने पापों को मान लेते हैं, वो विश्वस्त है, वो विश्वासी योग्य है, वो धर्मी है। क्या चीज के लिए धर्मी हो, विश्वासी हो, क्या चीज, आपका सब पापों को धोने के। परमेश्वर नहीं ठग सकता, परमेश्वर झूठ नहीं बोल सकता, परमेश्वर मरता नहीं, परमेश्वर बुढ़ा नहीं होता है, परमेश्वर तो परमेश्वर ही। हालेलुया। वो भी स्वस्थ है, वो धर्मी है, वो आपका पाप को धो सकते हैं। कब? जब अपना पापों को आप मान लें। नीति वचन में लिखा है जो कोई अपना अधर्म को छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, लेकिन जो उसको मान लेता है और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। बहुत आदमी पाप मान लेते हैं, सॉरी साहब, सॉरी मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन फिर वही काम करते हैं, उसको सही में माफी नहीं मांगा जाता है। हालेलुया। ध्यान से सुने, मेरा पापा भी बैठे हैं इधर, हम लोग जब छोटा थे हम लोग कुछ भूल काम करेंगे हमारा मम्मी आएगा बोलेगा पापा को जा करके माफी मांगो, हम लोग माफी मांग लेते थे, पापा मोर भूल गया क्षमा कर दियो, पापा भी सामने बैठे मैं झूठ नहीं बोलता, फिर वही काम करते थे, माफी हो गया पापा बोला ठीक है, फिर वही काम। बाइबल में लिखा है वो जो अपना अपराध को छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, मान लेता है और छोड़ भी देता है। हालेलुया। जब आप पाप को छोड़ते हैं तब प्रभु आपको दया करता है। हालेलुया। 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 जब प्रभु आपको दया करेंगे आपके जीवन में सिंदूर। हालेलुया। हर यीशु मसीह का लहू हमारा
दूसरा का लहू क्यों नहीं? मैं आपको बता रहा हूं, यीशु मसीह का शरीर में किसका लहू आ रहा था? अरे यीशु मसीह का पापा कौन है? जोर से बोलिए ना, हालेलुया। यीशु मसीह शारीरिक सामंत से फायदा नहीं हुआ, पवित्र आत्मा से वो जन्मे। हालेलुया। पवित्र आत्मा से वो जन्मे। हालेलुया। यीशु मसीह के शरीर में किसी मनुष्य का खून नहीं। हालेलुया। 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 केवल यीशु मसीह ही दुनिया में पाप नहीं किए। आज तक कोई भी नहीं बता सकता है यीशु मसीह ये पाप काम किया। जो लोग यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया वो लोग अपना हाथ धो दिए, न्याय करने वाला वो लोग बोलता है उनमें मैं एक भी पाप नहीं रखता। अभी भी कोई माइकल लाल नहीं है जो बोल सकता है यीशु मसीह फलाना पाप काम किया। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह निष्पाप थे, वो जो पाप नहीं किया है वही ही पापी को क्षमा दे सकते। इसलिए यीशु मसीह बोला एक अंधा दूसरा अंधा को रास्ता नहीं दिखा सकता, अगर दिखाएगा तो दोनों गड्ढा में गिरेगा। यीशु मसीह बोला एक अंधा दूसरा अंधा को रास्ता नहीं दिखा सकता, अगर दिखाता है दोनों गड्ढा में। एक पापी दूसरा पापी को उद्धार नहीं दे सकता, एक पापी दूसरा को छुटकारा नहीं दे सकता। जो निष्पाप है, जो पाप नहीं किया है वही एक पापी को छुड़ा सकता। यीशु मसीह बाइबल में लिखा है यीशु मसीह मनुष्यों का पापों से छुड़ाने के लिए इस दुनिया में आया। धर्म के लिए नहीं, क्रिश्चियन धर्म के लिए या जो क्रॉस लगाने के लिए यीशु मसीह आपको नहीं बोलता। यीशु मसीह के लिए जागा आप दिल, या तो टीना का बक्सा करके यीशु मसीह को हम नहीं रख सकते हैं धर्म में। हालेलुया। बाइबल में लिखा है हम वो हमारा हृदय में घर बनाना चाहते। जब यीशु मसीह को आप हृदय खोलेंगे यीशु मसीह के लिए, हृदय में ग्रहण करेंगे तू मेरा प्रभु है, मेरा पाप को क्षमा कर दे, मैं हमारा पाप को स्वीकार करता हूँ, पाप क्षमा का आनंद आपका जीवन में, आप जान पाएंगे आपका पाप क्षमा हुआ। देखिए मैं बोल रहा था बहुत सारा पाप कम किया हूँ, लेकिन मुझे यह अनुभव हुआ मेरा पाप प्रभु ने क्षमा कर दिया। मेरा आप भी अनुभव कर सकते आपका पाप प्रभु ने क्षमा किया। हालेलुया। साधु सुंदर सिंह एक उदाहरण बताए, ध्यान से सुनिए। आप कीचड़ में फंसे हुए हैं, आप उसमें से निकलने के लिए चाहते हैं, आप जितना कोशिश करेंगे उतना ही आप अंदर घुसेंगे, लेकिन कीचड़ से कादर से कीचड़ से दलदल से आपको निकालने के लिए कोई चट्टान पर खड़ा होना है, वो आपको हाथ बढ़ाना है, अगर वो आपको उठाता है तभी आप आ सकते हैं। आपको पाप से छुड़ाने के लिए दुनिया में कोई नहीं, यीशु मसीह को छोड़कर। इसलिए बाइबल में लिखा है केवल पृथ्वी में मनुष्य पुत्र का यीशु मसीह का पाप क्षमा देने का अधिकार है, और किसी में कोई फादर आपको पाप नहीं दे सकता, कोई पोप कोई पास्टर आपको पाप क्षमा नहीं दे सकता, सिर्फ यीशु मसीह ही आपका पाप को क्षमा दे सकता। हालेलुया। आपको चाहिए पाप क्षमा। जब आपका पाप क्षमा हो जाता है, बाइबल में लिखा है भजन संहिता 103 लिखा है, भजन संहिता 103 का उसका 3 पद और 4 पद मैं खत्म करने जा रहा हूँ। आप लोग भजन संहिता वही तो मेरे सारे अधर्म को क्षमा करता, वही तो क्या लिखा है, वही तो तेरे हाँ सब अधर्म को क्षमा करता, वही तो तेरा सब अधर्म को क्षमा करता, श्री परमेश्वर ही आपका सब अधर्म को क्षमा करता है, वही तो तेरा सब अधर्म को क्षमा करता है और तेरे सब रोगों को चंगा करता है।
क्षमा हो जाता है आपको चंगाई मिल जाता है। जब आपका पाप क्षमा हो जाता है आपका जीवन में शांति आ जाता है। जब भी आप पाप काम करते हैं तब आपका जीवन में अशांति। आप किसी को ठग के देखिए, किसी को झूठ बोल के देखिए, कुछ भी पाप काम करके देखिए, उसी पाप आपको और पाप कर लाता है और अशांति लाता है। इसलिए बाइबल में लिखा है दुष्टों का कुछ भी शांति नहीं, लेकिन जिसका पाप क्षमा हुआ है वो धन्य है। हालेलुया। वही तो तेरा सब पापों को क्षमा करता है, सब रोगों को चंगा करता है। डॉक्टर जितना जानता है उतना ही करेगा, डॉक्टर जितना ही जानता है मेडिसिन उतना ही करेगा, उससे अधिक नहीं करेगा। लास्ट को बोलेगा ऊपर वाला का हाथ, उसको भी मालूम है, डॉक्टर को भी मालूम है वो भी कौन है। हालेलुया। वही तो तेरा सब अधर्म को क्षमा करता है, सब रोगों को चंगा करता है। चार पद में वही तो तेरे प्राणों को नष्ट होने से बचा लेता है। वही तो तेरे प्राण को नाश होने से बचा लेता है। संसार की ईश्वर मनुष्य का प्राण को, मनुष्य को नष्ट करने के लिए लगा हुआ है। यीशु मसीह पवित्र आत्मा आदि लोग को छुटकारा देने के लिए, उधार देने के लिए काम करता है। हालेलुया। जब अपना पापों को आप स्वीकार करते हैं, जब आप यीशु मसीह को सामने अपना अपराध को मानते हैं, पाप क्षमा आता है, आपका रोग चंगा होता है, नष्ट से वो आपको बचाता है। उसका बाद क्या लिखा, तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। हालेलुया। हमेशा सिर पर दया और करुणा, हमेशा आप सोचते हैं अरे प्रभु मुझे कितना दया, मैं हमेशा सोचता हालेलुया कितना मुझे करुणा किया, कितना मुझे प्रभु दया किया। हालेलुया। वही तो हालेलुया सब अधर्म को क्षमा करता है, सब रोगों को चंगा करता है, दया और करुणा का मुकुट बांधता है। और उसका पांच पद में लिखा है वही तो तेरी लालसा को, आपका भी क्या क्या इच्छा है, ये करूंगा वो करूंगा ये करूंगा वो करूंगा, वही तो तेरे लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। उत्तम पदार्थों से, हालेलुया हालेलुया। उत्तम बोलने से उत्तम, खाने के लिए अगर इच्छा है ना अच्छा खाना भोग देता है। एक टाइम था मैं खाने के लिए नहीं खाता, चावल खरीदने के लिए मेरे पास पैसा नहीं, लेकिन अभी जो इच्छा होता है वो मैं खाता। वही तो तेरे लालसा को उत्तम पदार्थों से, सिर्फ खाना का बात मैं नहीं बोलूं, सब बात है। आप जो इच्छा करते हैं वही तो तेरे लालसा को उत्तम पदार्थों से शुरू करता है। हालेलुया। प्रभु का दास बोल रहे थे हम 500 रुपए से सेवा शुरू, 400 रुपए घर बढ़ा देते, 100 रुपए में हम सेवा शुरू। आज उनका खुद का गेस्ट हाउस है, घर है, गाड़ी में आ रहे थे पास्टर बोल रहे थे मेरा भी ऐसी गाड़ी। हालेलुया। और उनको एक दिन गाड़ी गिफ्ट दिया, उनको देखा नहीं गाड़ी भी गिफ्ट दिया। वही तो तेरे लालसा को उत्तम पदार्थों से हालेलुया। अरे भी नहीं कर सकता, अरे भी का हाथ छोटा है, बोलेगा देगा नहीं भी दे सकता है, देगा तो बोल भी सकता अरे मैं दिया था, देगा मांग भी सकता है और उसका सीमा है। लेकिन परमेश्वर जब देता है, हिंदी में डायलॉग क्या है, छप्पर फाड़ के देता है। वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। हालेलुया। जब आप यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, विश्वास करते हैं, आपका पापों से पश्चाताप करते हैं, आपका पापों को प्रभु का सामने बोलते हैं, आपका पाप क्षमा, जब आपका पाप क्षमा होता है आपको चंगाई आ जाता है। हालेलुया। सिर्फ चंगाई नहीं, एक वचन आप निकलिए मेरे साथ सभो उपदेशक, मुझे थोड़ा याद आ रहा है सभो उपदेशक उसका 2 अध्याय उसका 26 पद जरा 26। जो मनुष्य
मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा है। देखिए जो मनुष्य किसका दृष्टि में, बीवी का दृष्टि में नहीं, अपना हस्बैंड का दृष्टि में नहीं, बच्चा लोग का दृष्टि में नहीं, समाज में नहीं, जो परमेश्वर का दृष्टि में, हालेलुया, जो परमेश्वर का दृष्टि में अच्छा है, उसको वो बुद्धि और ज्ञान और आनंद देता है। अगर परमेश्वर को आप संतुष्ट करते हैं, मेरा रेफरेंस मिलेगा, जो परमेश्वर को संतुष्ट करता है, अगर परमेश्वर को आप खुश करते हैं, परमेश्वर का दृष्टि में आप अच्छा है, तो वो बुद्धि देते हैं, ज्ञान देते हैं, आनंद देते हैं। जॉनी लीवर को जानते हैं, जॉनी लीवर बोलता है, मेरा मैं एक तो एक्टर हूँ, मेरा बीवी का साथ में इतना साल से एक्टिंग कर रहा था, वो बोलता है लास्ट में मजा करके, कैसे मैं फ्री में एक्टिंग किया, फिर बोला 4 साल से मैं बीवी का साथ एक्टिंग नहीं कर रहा। कितना हस्बैंड लोग हैं, उसके बीवी का सामने दिखाएंगे मैं ऐसा, लेकिन असली में वो नहीं रहे। कितना औरत लोग हैं, उसके आदमी लोग के सामने दिखाएगा मैं ऐसा हूँ, लेकिन असली में वो नहीं रहे। बच्चा लोग को देखिए, माँ बाप लोग को देखिए, कितना माँ बाप लोग गलत करेगा, अब बच्चा लोग का सामने दिखाएगा मैं सही, कितना दिन खाने के लिए नहीं रहेगा, बाहर में दिखाएगा मेरे पास बहुत कुछ है, समाज में दिखाते हैं, आदि लोग को दिखाते हैं, लेकिन बाइबल में लिखा है जो परमेश्वर का सामने जो सही है उसको बुद्धि देता है, ज्ञान देता है, आनंद देता है। उसके बाद परंतु पापी लोगों को क्या देता है परमेश्वर, दुख भरा, जी दुख से वो काम ही करते रहे, परिश्रम करते रहे, शांति से भी नहीं, दुख से परिश्रम करते रहे, क्यों करेगा परिश्रम, कि वह उसको देने के लिए, वो उसको देने के लिए, किसको, धार्मिक को देने के लिए, संचय करके ढेर लगाए जो परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा हो। देखिए धार्मिक को देने के लिए पापी लोग बहुत मेहनत करके दुख से परिश्रम करके रखेगा, वो उसको भोग नहीं कर पाएगा। बाइबल में लिखा है पापी का धन धार्मिक लोगों को, आपको जानना है, आप अगर धन चाहते हैं, रुपया चाहते हैं, है ना, आपको सिर्फ एक ही काम करना है, परमेश्वर का दृष्टि में आप धार्मिक हो जाएंगे, तो पापी लोग का धन आपका पास आएगा। जो लोग बहुत मेहनत करके परिश्रम करके धन इकट्ठा करते हैं, वो धन किसके लिए लिखा, जो परमेश्वर को संतुष्ट है, वो लिए आपका पास आएगा। लेकिन आपको देखना है मैं परमेश्वर का दृष्टि में कैसा, हालेलुया, हालेलुया। शांति चाहते हैं, दुनिया में शांति नहीं मिलेगी, कोई दुकान में जाएंगे मेरे को शांति 1 किलो दीजिए बोलने से नहीं मिलेगा। यीशु मसीह बोला संसार जैसे शांति देता है वैसा नहीं, मैं अपना शांति तुम्हें दे देता हूं, जब आपका पाप क्षमा होता है आपको शांति मिल जाता है। अशांति से आदमी लोग सुसाइड भी करता है, अशांति से आदमी लोग क्या क्या करता है, दुष्ट लोग का कुछ भी शांति नहीं है बोलते बाइबल में। अगर आपका पाप क्षमा होता है आपको शांति मिल जाता है, अगर आपका पाप क्षमा होता है आपको चंगाई मिल जाता है, अगर आपका पाप क्षमा हो जाता है आपको धन संपत्ति मिल जाता है, आप गरीबी नहीं रहते, हालेलुया, आप गरीब नहीं रहते। मैं 1 नंबर का गरीब था, कपड़ा घर में पानी चूता था मेरा, हालेलुया, हालेलुया। आप लोग से मैं अधिक गरीब था, मैं बोलता अभी मेरा कुछ भी कर दूंगा, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मुंह मांगना वरदान परमेश्वर का, हालेलुया, परमेश्वर का दास तो अफ्रीका से आते, आप लोग सुने ना क्या बोले, मैं देख रहा हूँ जगह आपको और मिल रहा है, मैं देख रहा हूँ आपका कितना तो काम है, जैसे सेवा सुन के बोलते हैं आप लोग भी भविष्यवाणी। जब प्रभु का साथ आप चलते हैं प्रभु आपको बढ़ाते हैं, हालेलुया। आप लोग
की उपाय हो, प्रभु का सामने आपका पाप को स्वीकार। देखिए शैतान भी यीशु मसीह का साथ बातचीत कर रहा है, यीशु मसीह का बात शैतान भी सुन रहा है, लेकिन शैतान पश्चाताप नहीं किया, शैतान का भी पश्चाताप नहीं करता। सबको ध्यान से सुनिए, शैतान का भी पश्चाताप नहीं करता। देखिए बाइबल में लिखा है जो अपना अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल, जो मान लेता है और उसको छोड़ देता है उस पर दया की। आपको मालूम है आप कितना पाप करते हैं, कोई नहीं जानता होगा, लेकिन आप जानते हैं। आखिर में आपका आत्मा गवाही देगा, आपका आप गवाही देंगे मैंने ऐसे किया। जब आपका पाप क्षमा है आप स्वर्ग जाएं, आज भी मरेंगे तो भी आप स्वर्ग जाएं। कितना आदमी लोगों का मरने का समय में, मृत्यु का समय में मैं डायरेक्ट देखा, कितना आदमी को मैंने ऐसे देखा, वो लोग बोलते हैं मुझे वो लेने के लिए आता है, वो लेने के लिए आता है। कितना आदमी मरने का समय में डर जाते हैं, कारण क्या है, उसको कौन लेने के लिए आया है। जब आपका पाप क्षमा नहीं है, जब आप उद्धार नहीं पाए, जब आप यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किए, आपके लिए शैतान का दूत लोग आएगा ले जाने के लिए। हालेलुया। जब आप उद्धार पाए, आपका प्राण का उद्धार हुआ है, यीशु मसीह को विश्वास करते हैं, बाइबल में लिखा है उसका अनंत जीवन स्वर्ग दूत लोग आपको लेने के लिए। आज भी मरेगा स्वर्ग राज्य में, यहाँ रहेगा संसार में रहेगा, स्वर्गीय शांति में आप रहेंगे, स्वर्गीय आशीर्वाद में आप रहेंगे। हालेलुया। शंघाई स्वर्गीय आशीर्वाद है, धन संपत्ति स्वर्गीय आशीर्वाद है, पाप क्षमा स्वर्गीय आशीर्वाद, ये संसार में रहेगा स्वर्गीय आशीर्वाद में। लेकिन आप आंख खुलना चाहिए। एक अंधा था, उसका नाम था बर्तमई, वो देख नहीं सकता था। जब यीशु मसीह के बारे में सुना वो चिल्लाया, हे यीशु मसीह, हे दाऊद का संतान, मुझे दया कर। बाइबल में लिखा है वहां यीशु मसीह रुक गया और पूछा तुमको क्या चाहिए। अब जब यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं आपका आंख खुल जाता है। देखिए वो शारीरिक में अंधा था लेकिन अंदर का आंख उसका खुला। यार कितना आदमी का शारीरिक आंख है खुला, अंदर का आंख बंद है, शैतान उसको बंद कर कर ताकि तेजो में सुसमाचार सका चमक उनका ना जाए। हालेलुया हालेलुया। तो भैया हम लोग प्रभु को धन्यवाद देंगे, अगर आपने कुछ पाप काम किए हैं प्रभु का सामने आप माफी मांगिए, प्रभु मुझे आप क्षमा कर दिए। जो पहली बार इस वचन को सुन रहे उन्होंने बोले हे यीशु मसीह, मैं आपको उद्धारकर्ता का रूप में ग्रहण करता हूँ, मेरा पाप को तू क्षमा कर, तू एकमात्र है जो पाप नहीं किया, मैं विश्वास करता हूँ मेरा पाप को कोई क्षमा नहीं कर सकता है, तेरे सिवा तो पाप क्षमा देने के लिए इस दुनिया में, मेरे पाप को तू क्षमा कर, पाप क्षमा का आनंद तू मेरा जीवन में। हम मुंह खोल के सारे हर एक जन प्रार्थना करें, हमारे जन मुंह खोल के थोड़ा सा प्रार्थना करें। Thank you.
मुझे एक बात बताइए, 1000 रुपया लेके जाने से कम है कि ज्यादा है शॉपिंग करने के लिए? जोर से बोले, 1000 रुपया कम है? 1000 रुपया शॉपिंग करके शॉपिंग करने के लिए जाने से कम है ना? प्रभु के लिए 10 रुपया बहुत है ना? ये प्रभु के लिए घर से 10 रुपया के लेके आना क्या है, बहुत है कि कम है? बहुत है, बहुत है, बहुत नहीं वो कौन बोले बहुत बहुत बाइबल में लिखा है देख कर को परमेश्वर को आदर कर। परमेश्वर जगत से ऐसा प्रेम किया वो एक लौता बेटा को ही दे दिया। मैं कभी कभी सोचता हूँ परमेश्वर देखिए अपना बेटा को, मेरा बेटा को कहीं छोड़ने के लिए, आपका बेटा बेटी को कहीं छोड़ने के लिए आपको कितना सोच लगता है? बाइबल में लिखा है परमेश्वर हम लोग को इतना प्रेम किया उसका बेटा को दे दिया। क्यों दे दिया? बलिदान हमारा। हालेलुया। मैं देना नहीं जानता था लेकिन जब मैंने देना सीखा तब प्रभु मुझे आशीष दिया। मैं लेना जानता लेकिन देना मैं नहीं जानता। बाइबल में लिखा है यीशु मसीह बोला लूका रचित सुसमाचार में, आप लोग सब जानते हैं, दो तो तुम्हें दिया जाएगा। कैसे दिया जाएगा? लोग तुम्हें दवा दवा करके हिला हिला करके उमांता हुआ देंगे। कौन देगा? स्वर्ग से नहीं गिरे आपके लिए परमेश्वर लोगों को देगा। आपको देने के लिए परमेश्वर लोगों को तैयारी करता। हालेलुया। मुझे मेरा पापा लोग घर से निकाल दिया तो पापा सामने में बैठे क्रिश्चियन हो गया, कोई नहीं रहा, प्रभु मुझे नहीं छोड़ा। एक ब्राह्मण यीशु मसीह को नहीं मानने वाला, क्रिश्चियन लोग को मुसलमान लोग को घर नहीं देने वाला, मेरा घर में तू रहो वाला, उसको कौन तैयार किया? हालेलुया। मेरे को खाने का जरूरत है, मेरे को कुछ जरूरत है, मैं किसी को नहीं मानता। हालेलुया। मेरा परमेश्वर जिंदा है, परमेश्वर हमारे जरूरत के लिए लोगों को भेजता। इतना साल से मैं गाड़ी में घूम रहा हूँ, कार में, आप जानते हैं मेरा शौक था थोड़ा कार चलना, 13 साल से अधिक कार में घूम रहा हूँ। प्रभु कार खाली नहीं दिया, गैरेज फ्री कर दिया। जब भी वो गैरेज को जाएंगे धो धा करके रिपेयरिंग करके फ्री में देता। हालेलुया। लोगों को परमेश्वर तैयारी करता। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के लिए देते हैं परमेश्वर आपको देने के लिए लोगों को तैयारी करता। आप 10 रुपया इधर डालते हैं परमेश्वर वैसे लोगों को तैयारी करेगा आपको 20 रुपया। मेरे के पास्टर का एक प्रोफेट है, अभी बुढ़ा हो गया, वो बता रहे थे अमेरिका गए थे, उनका लड़की प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है, बहुत दानी स्कूल में पढ़ रहा है, वो जो प्रभु का दास है उसका घर गया, लड़की आई है और वो बहुत घमंड से बोले मेरा लड़की इधर देखिए मेरा अमेरिका में ये घर है वो है। लड़की 13 साल की थी, लड़की बोल रही है मैं दूसरा लड़की से शादी करूँ। उसका पापा बोल रहा है मैं स्कूल में इतना इतना पैसा देता हूं, लेकिन उसका लड़की बोलता है मैं लड़की से शादी करूं। आज शॉपिंग के लिए 1000 रुपया कम हो जाता है, दूसरा के लिए क्या क्या खर्चा हो जाता है ना? अरे ये 60 अच्छा नहीं लगता है, थोड़ा कास्ट के लिए लेंगे, ध्यान उसन का थोड़ा लेंगे। कितना रह गया भाई 60 का? ओनली 3000। और ठीक है कार्ड चला है ना? तो आने का समय में हम कितना है 10 रुपया है ना? दो तो तुम्हें दिया जाएगा। बाइबल में लिखा है जो ज्यादा बोया वो ज्यादा, जो थोड़ा बोया वो थोड़ा।
हालेलुया। मैं हमेशा सोचता हूँ मैं प्रभु का दास हूँ, मैं किसको मान नहीं सकता। अगर मैं मांगूंगा मेरा विश्वासी लोग मान लेगा। हालेलुया। एक बहन सामने बैठी है, वो बोलती है मैं किसी को नहीं मांगता। हालेलुया। बढ़िया में एक तो कहावत है, मैंने बोला था मांगी बार ठहरो गिनो ना, देवा ठहरो पुण्य। मैं आपको बोलता हूँ आप अगर प्रभु के लिए देंगे, मैं आपको चैलेंज के साथ बोलता हूँ किसको मांगना नहीं पड़ेगा। लोगों को परमेश्वर तैयारी करेगा वो आपको। हालेलुया। तो प्रभु के दास ने बोले आप प्रेम सब कर लीजिए, उसका बाद पूरा मेरे को टाइम दीजिए। अब लोग हालेलुया। अब लोग बैठने के लिए तैयार है कि किसी को हड़बड़ी है? तो जोर से बोलिए ना, इतना दिन शाम तक बैठने के लिए तैयारी है तो रात उठाई। आप लोग का सही में अगर आप समय प्रभु के लिए देते हैं तो वो आपका समय पूरा हालेलुया। हालेलुया। मैं बहुत खुश हूँ आप लोग शाम तक रहने के लिए तैयार है, आप लोग नहीं रुकेंगे। अब हम लोग एक गीत गाएंगे, बच्चा लोग शाम तक गीत गाएंगे साथ साथ आपको स्वास्थ्य देंगे, उसके बाद फिर प्रभु का दास करेंगे। एक गीत गाएंगे और
इसके दान के लिए बाकी सब तय कर दिया। हालेलुया 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 हालेलुया। फादर यीशु मसीह के नाम से लॉर्ड हम आपकी उपस्थिति में आते हैं बेटा। लॉर्ड वी आर कमिंग टू योर प्रेजेंस राइट नाउ फादर। थैंक यू सो मच हेवनली फादर। थैंक यू सो मच होली स्पिरिट फॉर योर ट्रेमेंडियस प्रेजेंस लॉर्ड इन दिस प्लेस। आई एम गिविंग यू थैंक्स लॉर्ड। आई एम गिविंग यू प्रेज। आई एम गिविंग यू ऑल द ग्लोरी ऑल द मैजेस्टी। आई एम गिविंग यू फादर। यू आर अ गॉड लॉर्ड। यू आर अ किंग ऑफ किंग फादर। यू आर द लॉर्ड ऑफ लॉर्ड फादर। Father, I commit this offering to your hand, Father. Lord, you bless this offering, Father. Let this offering be used in your kingdom, Father. The hand, bless this offering, Father. Bless that hand, Father. Lord, bless with your anointing, Father. Bless with your all the spiritual and all the Lord, earthly anointing and blessings in our life, Father. Lord, Father, you know everyone's heart, Father. Kya main aaj prarthna karta pavitra atma, aaj aapke jo log hain beta, आप उनकी मनोकामनाओं को जानते हैं परमेश्वर। प्रभु आप हर एक जरूरत को उनको पूरी करें। लॉर्ड मैं उनकी जीवन पर यीशुआ के नाम से हर एक गरीबी हर एक बीमारी हर एक कर्ज को मैं कैंसिल करता हूं। आई कट इन द नेम ऑफ जीसस। होली स्पिरिट आज आप आपके लोगों को छुइए बेटा। होली स्पिरिट आज आप आपके लोगों से बातें करें पवित्र आत्मा। एक सुनने वाला कान और एक ग्रहण करने वाला हृदय। पवित्र आत्मा मैं ये सागर को आपके लहू पे डुबा प्रभु। मैं आपके लोगों को हर एक मन प्राण आत्मा शरीर को बेटा मैं आपके लहू पे मैं आपके खून पे डुबाता हूँ। ये आवाज को जो भी सुन रहे बेटा आपकी आग उन्हें छूने पाए बेटा। इस समय मैं निवेदन करता हूँ बेटा आज आपके सर को खोले बेटा। बेटा आपकी लोग आपकी महिमा को आंखों से देखने पाए कानों से सुनने पाए। मैं धन्यवाद देता हूँ पवित्र आत्मा आप यहाँ पर मौजूद है आप काम कर रहे हैं। मेरे प्रार्थना आपने सुना प्रभु। आपको लोगों को आपके हाथों में समर्पित करते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु नाज़रेत के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। पुराना पानी को माय स्टार नेम इज पानी क्योंकि मेरा
Sound is okay. I'm a slow speaker. So thank God for Rourkela. This is the first time I came. Rourkela man, मैंने पहले बार आया. मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ. Looks very beautiful. Rourkela बहुत सुंदर लग रहा है. You also looks beautiful. आप लोग भी बहुत सुंदर लग रहे हैं. आप लोग हो सकता है यहाँ पर कोई चीज सोच के आए कि प्रभु से मैं चीज मांगूंगा.
कई गुना अधिक वो कर सकते हाउ डज ही डू दैट कैसे वो करेंगे ही डज इट अकॉर्डिंग टू ऑन व्हाट इज देयर अकॉर्डिंग टू द पावर दैट वर्क विद इन अस वो कैसे काम करेंगे उस शक्ति के अनुसार जो शक्ति हमारे अंदर में काम करता है हालेलुया हालेलुया यू कैन अंडरलाइन इन योर बाइबल अकॉर्डिंग टू हिज पावर और आप उसको अंडरलाइन कर सकते हैं मार्क कर सकते हैं हमारा अंदर में जो शक्ति काम करता है उसी के अनुसार ही वो करता है गॉड ऑलवेज डज मच अबंडेंटली इन आवर लाइफ व्हाट वी आस्क एंड थिंक अकॉर्डिंग टू द पावर इफ देयर इज नो पावर देयर इज नो वर्क हमारा सोचने से मांगने से प्रभु जो बढ़कर के काम करते हैं वो सिर्फ वो शक्ति के अनुसार ही करते हैं अगर वहां शक्ति नहीं है तो काम नहीं यू हैव 10 वोल्ट पावर यू हैव You know, output will be that much. अगर आपका 10 वोल्ट का कुछ बल्ब है वो उसी का हिसाब से वो ज्योति देगा 10 वोल्ट आउटपुट 10 वोल्ट का ही वो रोशनी देगा If you have 1000 वोल्ट अगर आप 1000 वोल्ट का लगाएंगे the output will be 1000 वोल्ट और 1000 वोल्ट का अनुसार आपको लाइट दिखाएगा If you have 10000 वोल्ट और आपका 10000 का वोल्ट का लगाएंगे आउटपुट विल बी लॉट ऑफ और उसका बहुत भी रोशनी देगा दैट्स व्हाट हियर बाइबल सेज इसलिए बाइबल यहाँ बताता है वी नीड पावर वर्किंग इन आवर लाइफ हम लोग को प्रभु का शक्ति चाहिए हमारे जीवन में काम करने के व्हेन यू हैव अ पावर विद इन अस वर्किंग इन अस देन गॉड डज मच मोर अबंडेंटली मोर देन व्हाट वी थिंक एंड आस्क जब हमारा अंदर में प्रभु का शक्ति काम करेगा तभी हम मांगने से सोचने से बढ़ करके प्रभु का हाउ मेनी अंडरस्टैंड से हालेलुया 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 And you have a good, you know what I say,
अच्छा कार है तो then what happens once you start within 1 hour you can fly even 100 kilometers थोड़ा सा स्टार्ट करके तुरंत अगर जाना है 100 किलोमीटर का स्पीड से भी आप जा सकते once one brother was driving me in south africa south africa में मुझे एक भाई ने उसका गाड़ी में लेके जा रहा था you know, big highways लंबा चौड़ा हाईवे था no traffic वहां कुछ ट्रैफिक नहीं था and road are very good और रास्ता भी बहुत अच्छा था he is going at such a speed वो इतना स्पीड से जा रहा था I don't know the speed मैं स्पीड को नहीं जानता comfortable I'm sitting मैं वहां आराम से सोया there is a pastor और वहां पास्टर है can you read the, you know how much speed I'm going no पूछा मेरे को क्या आप देख सकते हैं कि कितना स्पीड में मैं चला रहा हूं and he was going at about 168 किलोमीटर पर आवर वो 168 किलोमीटर स्पीड में वो गाड़ी चला रहा व्हाई द कार इज रनिंग सो फास्ट कितना कहे वो गाड़ी इतना स्पीड से जा रहा है बिकॉज़ द कार हैविंग अ पावर क्योंकि वो कार का उसे शक्ति था हालेलुया हालेलुया एवरी व्हीकल हैव देयर हॉर्स पावर जैसे पावर सब गाड़ी का एक पावर सो अकॉर्डिंग टू द पावर सो इट वर्क्स और उस पावर के अनुसार ही वो काम करता है दैट्स व्हाट जीसस इज टेलिंग टू हिज डिसिपल्स यीशु मसीह उनका चेला लोगों को कहता है वी नीड टू बी द पीपल ऑफ पावर हम लोग प्रभु का शक्ति जरूरत सो टिल यू रिसीव पावर फ्रॉम ऑन हाई यू डू नॉट गो आप ऊपर से शक्ति जब तक प्राप्त नहीं करते तो आप नहीं जा सकते सो दे वेंट टू यरूशलेम दे वेंट टू द अफ्टर रोम और उन्होंने यरूशलेम गया दे आर वेटिंग फॉर द पावर फ्रॉम हाई उन्होंने प्रभु से शक्ति प्राप्त करने के लिए इंतजार हाउ वुड दे गेट द पावर कैसे वो शक्ति को पाए फ्रॉम वेयर दे गेट द पावर कैसे वो शक्ति को पाए कहां से वो शक्ति को पाए दैट आल्सो जीसस सेड इन एक्ट्स चैप्टर 1 इसीलिए यीशु मसीह ने प्रेरित होकर कहा कैन यू लिसन लुक एट सब पे ध्यान से सुने एक्ट्स चैप्टर 1 और प्रेरित होकर कहा एक अध्याय एंड वर्स 8 8 पद जरा पढ़ परंतु यस जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारी यहूदिया और समरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे प्रेज द लॉर्ड द सोर्स ऑफ पावर इज द होली स्पिरिट शक्ति कहां से मिलता है सिर्फ पवित्र आत्मा से ही मिलता है व्हेन द होली स्पिरिट विल कम अपॉन यू जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर आएंगे यू शैल रिसीव पावर तभी आप शक्ति प्राप्त होंगे सो पावर कम्स ओनली थ्रू होली स्पिरिट पवित्र आत्मा का द्वारा ही शक्ति आपका जीवन में वी कैनॉट क्रिएट पावर ऑफ आवर ओन हम लोग अपने से शक्ति नहीं बना सकते यू कैनॉट मैनिपुलेट पावर बाय डूइंग समथिंग आप लोग शक्ति को उत्पन्न नहीं कर सकते बट व्हेन द होली स्पिरिट कम्स ऑन यू जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर आएगा एंड यू शैल रिसीव पावर तभी आप शक्ति को पाएंगे हालेलुया हालेलुया एंड दैट पावर विल टेक यू और उसी शक्ति आपको लेगा द पावर इन द ग्रीक वर्ड ओरिजिनल मीनिंग्स कॉल्ड दुनामिस ये पावर का जो अर्थ है जो ग्रीक में उसका है दुनामिस दुनामिस हैविंग अ यू नो लॉट ऑफ मीनिंग्स दुनामिस का बहुत सारा अर्थ है जब इसका से स्ट्रेंथ उसमें एक तो ताकत है एबिलिटी और काम करने का शक्ति है मिरेकल वर्किंग पावर और आश्चर्य काम करने का शक्ति इनहेरेंट पावर इनसाइड ऑफ अस हमारा अंदर में काम करने वाला शक्ति सी स्ट्रेंथ ताकत सी ऑल दिस कॉल्ड दुनामिस ये सब को दुनामिस कहा जाता है सी दुनामिस मींस एबिलिटी दुनामिस का अर्थ है नहीं काम कर सकने का एबिलिटी सामर्थ्य सी इट इज नॉट आवर एबिलिटी एबिलिटी ऑफ होली स्पिरिट ये हमारा द्वारा होने वाला काम नहीं पवित्र आत्मा का द्वारा होने वाला काम दैट एबिलिटी वी रिसीव द पावर वी रिसीव व्हेन द होली स्पिरिट विल कम ऑन यू और वो काम करने का शक्ति सिर्फ तभी आता है जब पवित्र आत्मा हम पर आते हैं डिसिपल्स दे वर बप्टाइज्ड बाय जॉन और यीशु मसीह का चेला लोग जोहन का द्वारा बपतिस्मा लिया दे वर बप्टाइज्ड इन द वाटर वो लोग पानी में बपतिस्मा लिए बट Jesus said, "Within a few days, you are going to be baptized in the Holy Spirit." लेकिन यीशु मसीह ने बोले कि अब कुछ दिन के बाद तुम लोग पवित्र आत्मा में बपतिस्मा लेना। Hallelujah. Hallelujah. So when the Holy Spirit will come on you, जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर में आएंगे, then you'll receive this dunamis, this power.
तभी आप उस शक्ति को पाएंगे. Sometimes we question, who is the Holy Spirit? What is Holy Spirit? आप सोच सकते हैं, सवाल कर सकते हैं, ये पवित्र आत्मा कौन है? Sometimes the people say Holy Spirit is like a light. कोई कोई कभी कभी सोचते हैं कि पवित्र आत्मा एक light. Sometimes it is like a dove. कोई कोई सोचता है कि पवित्र आत्मा एक तो कबूतर है. It is like a fire. ये आग का जैसा है. But Holy Spirit is not a fire. It is not a light. It is not a dove. लेकिन पवित्र आत्मा एक कबूतर नहीं है, light नहीं है, आग नहीं है. Holy Spirit is the replacement of Lord Jesus Christ. पवित्र आत्मा यीशु मसीह का प्रतिरूप बाद में. Hallelujah. That's what Jesus said. I don't go detail, but you know. Many of the word. आप मेरे सब कुछ को अंदर नहीं जाना चाहता, आप लोग सब जानते हैं. Jesus said, my going is good for you. यीशु मसीह ने बोला मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा. It is benefit for you. ये आपके लिए अच्छा है. Why? क्यों? Unless I go, he will not come. जब तक मैं नहीं जाऊं तब तक वो नहीं आए. Hallelujah. So I was there for only 3.5 years in this body. मैं वहाँ 3.5 साल क्या बोलता हूँ? Yeah, Mr. Year, I was with you. मैं हमेशा आपके साथ में हूँ. But when he will come, लेकिन जब पवित्र आत्मा आएंगे, he will not stay with 3 years, 4 years, 10 years. वो 3 साल, 3.5 साल, 4 साल नहीं रहेगा, हमेशा रहेगा. How many years he will? All the time he will be with you. कितना टाइम वो नहीं बिताएगा, हमेशा वो आपका साथ में रहेगा. Hallelujah. So that's why. You can turn to Gospel according to John, chapter 14. John Arachi Susamachar, Uska Chaudha Adhyayam. So I like this chapter very much. So ye adhyayam mein bahut pasand karta hoon. Because this chapter talks about person of Holy Spirit. Ye 14 adhyayam. Yes. Pavitra Atma ka vyaktitva ko dikhata hai. Yes, that's the verse 13 onwards you can read. Starting se aap log pad sakte hain. Uska mein 14, verse 14. 14 ka? Yes. 14 से आप पढ़िए. If you ask me anything in my name, I will do it. If you love me, you will keep my commandments, and I will ask the Father, and he will give you another Comforter to be with you forever. 14 का 14 से थोड़ा पढ़िए. यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे, तो मैं उसे करूँगा. पढ़ते रहिए. यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो, मेरी आज्ञाओं को मानोगे, मैं पिता से विनती करूंगा, और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारा साथ रहे. Praise the Lord. Hallelujah. He will be with you forever. वो हमेशा आपका साथ में रहे. Who is that? वो कौन है? He is another comforter. वो एक सहायक है. Another of same kind like me. मेरे जैसा और एक सहायक हो देगा. Praise the Lord. Hallelujah. There is no difference. वो कुछ अलग नहीं है. You have a Bible? आपके पास एक Bible है? Bible. इसमें Bible. Sorry. This is one. Another Bible. Bible किसका है तेरा? Yeah. Two Bible. This is Bible. ये Bible. This is also Bible. वो भी एक Bible. That is also another Bible. वो भी एक तो Bible है. This also another Bible. यहाँ भी एक तो Bible है. Hallelujah. Hallelujah. Maybe 3 Bible, but 1 Bible. लेकिन 3 Bible होगा, लेकिन एक ही Bible. Praise the Lord. So that's what Jesus said. इसीलिए यीशु मसीह ने कहा. Another of same, दूसरा. Another of same kind. मेरा जैसा और एक सहायक. So Holy Spirit is not a light. Holy Spirit is not a dove. पवित्र आत्मा एक कबूतर नहीं है, एक light नहीं है. Not a fire. वो आग नहीं है. He is same. Like Jesus. Oh, Jesus मसीह का जैसे same है. Hallelujah. Somebody asked Jesus. कुछ लोग disciples asked Jesus. Jesus मसीह का चला मैं. Jesus मसीह को पूछा. Would you show us Father? क्या पिता को आप मुझे दिखा सकते हैं हम लोग को? Then what did Jesus say? Jesus मसीह ने क्या कहा? Till now you don't know. अभी तक तुमको मालूम नहीं है. Who has seen me? They have seen the. जो मुझे देखा है वो पिता को देखा. Hallelujah. There is no difference. उसमें कुछ फर्क नहीं. There is no difference between Father and me. पिता और मुझ में कुछ फर्क नहीं. There is no difference between me and the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा और मुझ में भी कुछ फर्क नहीं है. We are 3-1. हम लोग 3 एक ही हैं. Hallelujah. There is no difference. कुछ फर्क नहीं है. Only we have a designation. We have titles, Father, Son and the Holy Spirit. हम लोग का लेकिन खाली उपाधि भी है, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा. But from beginning there is no Father, Son and
Hallelujah. Hallelujah. So that's what Jesus said. इसलिए जीसु When I go, I will replace him. मैं जब जाऊंगा मैं आपको दूंगा. So I will send him. मैं उनको भेजूंगा. And he would be with you forever. और वो हमेशा आपका साथ में रहेगा. I was only in Jerusalem, Judea and Samaria. मैं खाली Jerusalem, Judea, Samaria में था. In at a time one place. एक ही समय में एक ही जगह में था. But this Holy Spirit. लेकिन पवित्र आत्मा. Everywhere, every time, with everybody same time. और सब जगह सब लोगों का ऊपर एक ही समय में सब जगह. Hallelujah. Holy Spirit in Jerusalem and Holy Spirit is Purnapani same. Holy Spirit in Jerusalem में है और Purnapani में भी वही same. But Holy Spirit in this place, what is this place? Jamundipa. Jamundipa. ये Jamundipa में भी वही same पवित्र. Same time, same there, everywhere. और एक ही समय में और हर एक जगह. That's why it is a good thing for you. इसलिए ये अच्छा है आपके लिए. Hallelujah. When the Holy Spirit comes on you, जब पवित्र आत्मा आपको ऊपर आएंगे, you shall receive dunamis. तब आप dunamis पाएंगे. Hallelujah. So the word dynamite comes from that dunamis. जो dynamite, जो bomb, yes, वो सब dunamis शब्द से ही आया. Yes, dynamite, dunamis. The dynamite they put in the a big mountain. Mountain also pulled out. और वो जो पहाड़ को जो रास्ता बनता है वो डायनामाइट वहां दिया जाता है भ्रष्ट करता है वो डायनामी शब्द से आया. यू मे बी स्मॉल पीपल बट डायनामाइट इज अ बिग वन. आप हो सकते हैं छोटा आदमी है लेकिन डायनामिस है तो हो सकते हैं. जो स्मॉल मैन द पुट अ डायनामाइट बिग माउंटेन फॉल्स. अगर एक छोटा आदमी वो डायनामाइट को एक बहुत बड़ा पहाड़ में फेंक देगा इतना बड़ा पहाड़ चूर हो जाता है. हो सकता है आप छोटे आदमी है इलिटरेट हम लोग पढ़े लिखे नहीं है बट द डायनामाइट इज नॉट स्मॉल. लेकिन वो जो डायनामिस डायनामाइट वो छोटा नहीं. हालेलुया. होली स्पिरिट वी हैव डायनामाइट. जब अगर हम डायनामाइट अगर पवित्र आत्मा आपका ऊपर में है तो आपका डायनामिस है. एंड थ्रू द डायनामाइट और थ्रू दिस डायनामिस God will do much more than what you ask and what you think. और उस पवित्र आत्मा का द्वारा उस शक्ति का द्वारा प्रभु बहुत कुछ कर सकते हैं. So many years ago I was baptized with the Holy Spirit. कुछ साल आगे मैंने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लिया. Maybe 35 years ago, 1979. 1979 में मैंने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लिया. Maybe I'm not born that time. उस समय 79 में कोई शायद पैदा भी नहीं हुआ. Are you born 79? So I was that time small boy. मैं उस समय मैं छोटा बच्चा था. So at least Benny is little tall and little handsome. Benny थोड़ा लंबा थोड़ा handsome है. But I was not like that. मैं उसका जैसा भी नहीं था. I was slim and thin. मैं बहुत पतला और दुबला पतला था. And roaming around the street of Odisha. मैं ओडिशा का गली में हम घूम रहा था. River, mountains, hills. पहाड़ नदी उस समय मैं घूमता था. So that is the time I was baptized in the Holy Spirit. उस समय में मैंने पवित्र आत्मा में बपतिस्मा लिया. Hallelujah. God put a dunamis inside. प्रभु ने dunamis मेरा अंदर में. I started preaching the word of God. मैंने वचन को प्रचार करना शुरू किया. That wherever I go, I just put the dunamis, I put the dynamite. मैं जहाँ भी जाता हूँ वहाँ पर dunamis को शक्ति को मैं छोड़ देता. Many young people came to the Lord. मैं बहुत जवान लोग प्रभु में आए. Hundreds of people baptized in the Holy Spirit. सौ लोग पवित्र आत्मा में बपतिस्मा लिए. One day the small house we are gathering. एक समय था छोटा घर में हम लोग इकट्ठा होते. That is the quarters, the government quarters. एक सरकारी एक छोटा सा घर था. Maybe you know 5-6 ladies are there. 5-6 औरत लोग वहाँ पर थे. And one headmaster of the school was there. और स्कूल का एक हेडमास्टर भी वहाँ था. All ladies and the master and I am a boy. और मैं एक बच्चा और कुछ औरत लोग थे और हेडमास्टर. But I didn't know that time I have you know dunamis inside. लेकिन उस समय मेरे को मालूम नहीं था कि dunamis मेरे अंदर में. Like you, we started praising God and worshiping God. आपका जैसे मैं भी प्रार्थना कर रहा था स्तुति कर रहा था. Suddenly what happened? तुरंत क्या हो गया? The master was possessed with demons. और वो जो हेडमास्टर था वो शैतान से कब्जा हुआ था. शैतान से कब्जा हुआ. He was not believer. वो विश्वासी नहीं था.
is very strong, tall, hefty. बहुत लंबा तगड़ा आदमी था. The demon possessed him. और शैतान उसको जकड़ के रखा था. Started torturing him. और उसको बहुत सताता था. His tongue was coming out. और उसका उसका मुंह उसका जीभ निकल गया. Eyes were bulging out. उसका आंख ऐसे निकल गया. Very ferocious. और बहुत डरावनी हो गया. He's holding hands like this. और हाथ को ऐसे जोर से किया. Looking at all ladies as और सब औरतों को देख करके ऐसे जो किया. Everybody want to run away. मैं सबको इधर उधर जाने के लिए सोचा. But what a nobody can run away. लेकिन सब आदमी नहीं गया. Because small part only one door is sitting under near the door. और क्योंकि वो छोटा घर था. Quarters. और एक ही दरवाजा था. जरा सोने वाला थोड़ा हालेलुया बोलिए. हालेलुया. सोने वाला हालेलुया. Yes. So he's sitting near the door. वो दरवाजा के पास में बैठा था. So nobody can escape that room. और कोई बाहर नहीं जा सका. I also cannot escape that room. मैं भी वो रूम से बाहर नहीं जा सका. Everybody screaming and crying, what to do? And you know, his tongue coming out, eyes bulging, and he's becoming very ferocious. और उसका आंख निकल गया, मुंह जीभ निकल गया, वो बहुत डरावने लगता. That is the time I prayed to God. और उस समय में मैंने प्रभु से प्रार्थना किया. Lord, I am baptized with the Holy Spirit. मैंने प्रभु तू मुझे पवित्र आत्मा में बपतिस्मा दिया. हालेलुया. I have dunamis in me. मेरा अंदर में पवित्र आत्मा. I have dynamite. हमारा अंदर में dunamis. I am a small boy. मैं एक छोटा बच्चा. He is a big man. वो बड़ा आदमी है. If you give one hit, I will fall down. अगर वो एक फाइट मारेगा तो हम गिर जाएंगे. But if it is a demon, he cannot hit me. अगर वो शैतान है वो हमको मार नहीं सकता. Because I have Holy Spirit inside. क्योंकि पवित्र आत्मा मुझ में है. I have dunamis. मेरा पास dunamis. The first encounter in my life after I baptized the Holy Spirit. पवित्र आत्मा में मैंने बपतिस्मा लेने के बाद पहली बार ऐसे हुआ. And slowly I walked towards him. मैं आगे उसका पास किया. I'm opening eyes, closing eyes and went towards him. और मैं आंख खोल रहा था, बंद कर रहा था, उसका पास जा रहा था. He's still और वो ऐसे हो रहा. And his hand is very strong. और उसका हाथ बहुत strong था. When I say if it is a demon, he cannot touch me. और मैंने दिल में बोलता था अगर वो शैतान है वो मुझे छू नहीं सकता. I went closely to him. और मैं जब उसका नजदीक किया. In the name of Jesus, I put my hand on his head. यीशु मसीह का नाम से मेरा हाथ को उसका ऊपर रखा. Hallelujah. Immediately fell down. और वो गिर गया. Hallelujah. 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 I did not shout at him. I did not hit him. मैं उसको मारा नहीं, कुछ जो चलाया नहीं. वो आपको क्या करना है? I did not shout at him. I did not fight him. मैं उसका साथ जोर से कुछ नहीं बोला, कि उसको फाइट नहीं किया. I have dunamis. मेरा अंदर में dunamis. Hallelujah. Hallelujah. I have power. मेरा अंदर में शक्ति. Hallelujah. मैं जस्ट उसको खाली छुआ. Hallelujah. Hallelujah. Power work and he fell. और शक्ति काम किया और वो गिर गया. He came to sense. और वो उसका सेंस नहीं. He came back to sense. थोड़ा समय के बाद उसका सेंस आया. And he said me. और उसने मुझे कहा. If you are not there, if you not be there, I will have died today. अगर आप वहाँ नहीं रहते तो मैं आज मर जाता. The demon was killing me. और शैतान मुझे आज मार रहा. But because you are here today, I got life. आप रहने का कारण मैं आज जीवन का. That is not I, but the dunamis. लेकिन वो मैं नहीं हूँ, वो शक्ति. Hallelujah. How do you get the dunamis? कैसे वो शक्ति को आप पाएंगे? See, when the Holy Spirit comes on you, जब पवित्र आत्मा आपको ऊपर आएंगे, then the dunamis, the Holy Spirit have a dunamis, the strength, the ability to do the miracle. तभी पवित्र आत्मा जब आपको ऊपर आएंगे, तभी वो शक्ति काम करेगा. Praise the Lord. Hallelujah. The Bible says, Bible कहता है, on the day of Pentecost. Pentecost का दिन, you know, आपको Acts of Apostles chapter 2, we read that. प्रेरितों का काम उसका दो अध्याय में आएंगे तो. All the disciples, they are waiting to receive the Holy Spirit. पवित्र आत्मा को प्राप्त करने के लिए एक ही जगह और लोग एकत्रित थे, इंतजार कर रहे थे. As we said, the Holy Spirit is a replacement of Jesus Christ on this earth. जैसे हम लोग देखे पवित्र आत्मा जीसस का एक प्रतिरूप का जैसा है. That's why बदले में. Till the Holy Spirit come, he said, you don't go for preaching. जब तक पवित्र आत्मा तुझ पर नहीं आएगा, तुम लोग प्रचार करके नहीं जाना है. Because Jesus ascended to heaven. यीशु मसीह स्वर्ग को गया. And till the Holy Spirit comes. ज
जब तक पवित्र आत्मा नहीं आता है almost, you know, there was many days. और बहुत दिन था yeah, almost 40 days. और 40 दिन तक और so 40 days there was a gap in the earth. और ये 40 दिन जो है वो थोड़ा गैप रहा There's no presence of God. उसमें There's no God. ईश्वर इस दुनिया में उस समय में 40 दिन तक नहीं थे. Because Jesus taken away. क्योंकि यीशु मसीह उठा लिया गया. Then it is gay. This empty. और यहाँ दुनिया में थोड़ा खाली था. That's what Jesus said, you don't go. इसीलिए यीशु मसीह ने कहा तुम नहीं जाना अभी. After I replace me with Holy Spirit. जब तक पवित्र आत्मा को मैं दुनिया में नहीं छोड़ता हूँ तब तक नहीं जाना. Hallelujah. Hallelujah. Then when he comes. जब पवित्र आत्मा आएंगे Then you receive power. Tabhi aap shakti praapt. Praise the Lord. Hallelujah. You receive that dunamis. Aap shakti paayenge. Then you can't go anywhere. Tabhi aap kahin bhi ja sakte. Praise the Lord. Hallelujah. So that's what the Bible says. When the dunamis is there, the power is there. According to the power, what we ask, what we think, much more you can achieve. And jab us shakti ka anusar aap jo kuch mangte hain, jo kuch sochte hain. उससे कई अधिक कर सकते हैं। That is called supernatural ability. उसको कहते हैं supernatural. अनोखी. Yeah. That is not your ability. वो आपका ताकत से नहीं. Not at all. That is supernatural ability. वो अनोखी. On the day of Pentecost, you know. ये Pentecost का दिन. Chapter 2. दो अध्याय में. All were in one place. सब एक ही जगह एकत्रित थे. All are worshipping God, each and everyone. वो आग से फटती हुई जीव वो सबका ऊपर आकर के ठहरा because Father God said in the last days I will pour out the Holy Spirit क्योंकि प्रभु ने कहा है पिता ने कहा है अंत का दिन में मैं सबका ऊपर अपना आत्मा Hallelujah Hallelujah It's not few people it is not a few group but all people ये थोड़ा लोगों के लिए नहीं सबका ऊपर में पवित्र आत्मा When the Holy Ghost came on them जब पवित्र आत्मा उनका ऊपर आया you know the ability they got और उनमें वो सामर्थ्य इज नॉट देयर ओन एबिलिटी और उन लोग का अपना सामर्थ्य नहीं मच मोर देन व्हाट दे थिंक एंड व्हाट दे आस्क यू नो इट मैनिफेस्टेड इन और वो लोग सोचने का वो लोग मांगने का अधिक से अधिक लिसन वन एक ही चीज आप लोग ध्यान से सुनिए सुपरनैचुरल एबिलिटी दे गॉट ऑन द डे ऑफ पेंटिकॉस्ट और वो जो ईश्वरीय सामर्थ्य अनोखा सामर्थ्य वो पेंटिकॉस्ट का दिन में आया All were filled with the Holy Ghost. और सब ने पवित्र आत्मा में भर गया. They spoke in 14 different languages. और उन्होंने 14 अलग-अलग भाषा में बात की. सर से हालेलुया. हालेलुया. Sometimes one language we don't able to speak. कभी-कभी हम लोग एक ही भाषा बोलने नहीं जानते. They never gone to school. वो लोग स्कूल नहीं गए थे. They are all fishermen community. वो लोग मछली पकड़ने वाले थे. And from the Galileans, there is very illiterate people. कुछ लोग गैलीली से था जहाँ पर अनपढ़ लोग ज्यादा रहते हैं बट विद अ फ्रैक्शन ऑफ मोमेंट विद अ नो टाइम दे स्पोक 14 डिफरेंट लैंग्वेज लेकिन थोड़ा समय में क्षण भर में वो लोग 14 भाषा में बोलने लगे हालेलुया पीपल फ्रॉम होल वर्ल्ड दे आर गैदर्ड दे आर लिसनिंग यू नो द मैसेजेस इन देयर ओन टंग और वो लोग जो दूर दूर से आए थे वो लोग सुनने लगे कि अपना अपना भाषा में ये लोग बोल रहे हैं दैट इज सुपरनैचुरल पावर ये अनोखा शक्ति है More than what we think and ask that God does it. आम सोचने से मांगने से बढ़ करके वो करते हैं। Once you baptize the Holy Spirit, जब आप पवित्र आत्मा में बपतिस्मा लेंगे, God will do much more than what we think and ask. और आप जो कुछ मांग रहे हैं, सोच रहे हैं, उससे अधिक परमेश्वर करेंगे। Praise the Lord. Hallelujah. I have a small testimony. मेरा एक छोटा सा गवाही है। I told you I born and brought up in a small village, not in Rourkela like big city. मैंने आप लोगों को बोला मैं राउरकेला जैसा बड़ा शहर में नहीं हूँ एक छोटा गांव में मैंने गजपति डिस्ट्रिक्ट के स्मॉल विलेज एक गजपति का एक छोटा जगह में हूँ यू नो वेरी फ्यू हाउसेस थोड़ा वो गांव में थोड़ा ही घर था यू नो नो एक्सेस फॉर द यू नो बसेस नो बस रूट वहाँ बस जाने के लिए रास्ता भी नहीं था यू हैव टू वॉक नियर अबाउट 7 किलोमीटर टू गो टू आवर विलेज और वहाँ 7 किलोमीटर जाने से ही बस मिलेगा सराउंडेड बाय ऑल माउंटेन्स और चारों तरफ पहाड़ी था रिवर्स एंड माउंटेन्स नदी और पहाड़ जैसा गांव था एंड वी हैव अ स्मॉल स्कूल और वहां एक छोटा स्कूल था जस्ट कॉल्ड एलपी स्कूल और यूपी स्कूल जैसे यूपी स्कूल जैसा था या अपर प्राइमरी ओनली फिफ्थ क्लास तो पांच क्लास तक वहां स्कूल में था बिकॉज़ दैट इज अ रिमोट प्लेस क्योंकि वो देहाती एरिया था यू नो सम टाइम्स टीचर विल कम वंस इन अ वीक कभी-कभी वहां जो शिक्षक जो है वो हफ्ता में एक ही बार आता है दे फुट अटेंडेंस एंड दे विल गो
one is trying out is because now. That is a private proposal schools. Private proposal school that's been run by villagers. So they are fighting with government to, you know, to recognize it. So that's all the time bond. Yeah.
डिग्री और उन्होंने कहा कि तुम जाओ और तुम्हारे डिग्री को तुम लो। आई वाज हेजिटेंट, आई वाज अफ्रेड, मैं संघर्ष कर रहा था, मैं डर रहा था। लास्ट टू इयर्स इवन आई डोंट हैव यू नो नोटबुक, आई डोंट हैव पेन, आई डोंट हैव पेपर टू स्टडी। मेरा पास ना नोटबुक नहीं था, किताब नहीं था, पेन नहीं था, कुछ नहीं था। हाउ कैन आई गो एंड सिट एंड राइट डिग्री फोर ईयर कोर्स, चार साल का कोर्स मैं कैसे करूँ? लिसन केयरफुली, फोर ईयर कोर्स फॉर इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री एंड इंग्लिश एंड एमएल, व्हाट इज दैट, लैंग्वेज, ओडिया लैंग्वेज, ओडिया एंड मदर, ओडिया इकोनॉमी हिस्ट्री, चार सब्जेक्ट। मेनी द टाइम पीपल गो फोर ईयर स्टडी रेगुलरली एंड दे फेलिंग, और वो लोग चार साल पढ़ करके भी और वो फेल करते हैं। आई डोंट नो अबाउट एबीसीडी ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमी का एबीसीडी भी मुझे मालूम नहीं। आई डोंट इवन नो स्मेल ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमी का कुछ गंध भी मुझे मालूम नहीं। एंड हिस्ट्री, द वर्ल्ड हिस्ट्री, द ब्रिटिश हिस्ट्री एंड द इंडिया हिस्ट्री, आई डोंट नो एनी हिस्ट्री। इतिहास भी है, इंडिया वर्ल्ड वो सब इतिहास है, वो भी मैं नहीं जानता था। दैट इज अ डिग्री स्टैंडर्ड, वो डिग्री। I never knew anything foundation. मेरा शुरुआत से मैं कुछ नहीं जानता। Four years I didn't have notebook and I didn't have any kind of book. चार साल मेरे पास ना notebook था ना कुछ किताब था। But two times God says I will give you ability. दो बार प्रभु की आत्मा ने मुझे बोला मैं तुम्हें सामर्थ्य देता हूँ। You have dunamis inside. आपके अंदर में dunamis है। You go. आप चाहिए। Then I apply the leaf for 21 days. और मैं 21 दिन and I went to the university mein maine after going to university jaane ka baad I purchased some notes, main kuch note ko kharida, you know, 4 years course I have to read one day and write next day, 4 din ka course ek hi din mein maine khatam, even I count the pages also not enough, aur ye jo page ko bhi main gindi so I have to open the page, I have to go through and next day I have to write. Dusra din main kya karta hu Second best Bible college in whole world run by SMS.
एबीसीडी यार आप लोगों को मालूम है पांच क्लास तक मैं एबीसीडी नहीं जान करके पढ़ा बट आई वेंट टू इंटरनेशनल बाइबल कॉलेज इंटरनेशनल बाइबल कॉलेज में मैंने हालेलुया मैंने एनरोल माय नेम यार मैं वहां नाम लिखा तो फर्स्ट सेमेस्टर आई एम नॉट एबल टू कैच द लेक्चर्स पहला साल मेरे को कुछ समझ में नहीं आता था जो कुछ पढ़ाते थे मुझे समझ में नहीं आता वी हैव फैकल्टी मेंबर फ्रॉम यूएसए एंड यूरोप एंड डिफरेंट कंट्रीज वहां पर जो लोग पढ़ाते थे कुछ कुछ लोग यूरोप अमेरिका से आते थे आई कुड नॉट फॉलो देम मैं उन लोगों को समझ नहीं सकता था फर्स्ट सेमेस्टर वन सब्जेक्ट आई फेल यार पहला सेमेस्टर में मैंने कुछ फेल हो गया बट अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ द बाइबल कॉलेज इफ आई फेल सेकंड सेमेस्टर नेक्स्ट ईयर दे बाइबल कॉलेज का एक नियम था अगर दो बार फेल हो जाएगा तो वो लोग आपको एडमिशन नहीं देगा आई वाज क्राइंग बिफोर गॉड मैं प्रभु का सामने रोया एवरी सैटरडे आई यूज्ड टू गो टू द अपर रूम एंड डू फास्टिंग एंड प्रे मैं हर एक शनिवार को जाता था ऊपर रूम में और मैं प्रार्थना करता था लॉर्ड यू ब्रॉट मी हियर यू नो आई डोंट वांट टू बी डिसअपॉइंटेड आई डोंट वांट टू गो बैक मैं आप मुझे यहां पर लाए मैं निराश होकर के यहां से नहीं जाऊं आई एम नॉट एबल टू स्टडी हियर मैं अच्छा पढ़ने के लिए आए मैं द फ्यू वीक्स आई डिड फास्टिंग एंड प्रे एवरी वीक वन टाइम हर एक हफ्ता में एक दिन मैं ऐसे ही प्रार्थना कर रहा था उपवास कर रहा था यस सर आफ्टर वन मंथ व्हाट हैपेंड एक महीना का बाद क्या हुआ ध्यान से सुनिए गॉड अपीयर टू मी प्रभु मुझे दर्शन हालेलुया हालेलुया एंड आई हियर अ वॉइस मैं एक शब्द को सुना एंड आई सी द विजन मैं एक दर्शन को देखा गॉड सेड You will be the gold medalist in this university. Hallelujah. मुझे कहा कि आप एक gold medalist यहाँ का हो। Hallelujah. Hallelujah. Dunamis inside you. क्योंकि हमारा अंदर में dunamis है प्रभु का शक्ति है। Hallelujah. What you think and what you ask more than that I will do. आप जो सोचते हैं जो मांगते हैं उससे बढ़ करके होगा। Hallelujah. God said that I took it for granted because this is the voice of God. जब प्रभु ने मुझे कहा वैसे ही हुआ. Then I started, you know, praying every day. I think 1 hour. जब मैंने प्रार्थना करते रहा एक घंटा. And 45 minutes I read my notes. और 45 मिनट में मैं नोट को पढ़ रहा था. Whatever I read, everything will be in my brain. और जो कुछ मैं पढ़ रहा था वो सब कुछ मैं याद रखा. Hallelujah. Hallelujah. Almost all notes. I just memorize. सब नोट मैं याद रख सकता था. All lecture gave the notes, everything I memorize. प्रभु लेक्चर लोग जो कुछ सिखाते थे सब मैं याद रख लेता. So next exam I was the rank holder. और मैं जो next exam हुआ उसमें सबसे अच्छा मार्क मैं. Hallelujah. Hallelujah. I was the first rank, second rank. उसमें first rank था, second rank था. And second year they made me leader. और दूसरा ये मैं भी दूसरा साल में उनको प्रभु का दास को उन्होंने leader रखा. So evangelism leader. यार सुसमाचार प्रचार के लिए उन्होंने लीडर year, 68 people converted and baptized. और उसी साल में 68 आदमी प्रभु में आए और बापतिस्मा माने. All non-Christians they accepted Jesus under my leadership all took water baptism. और 68 आदमी जो अन्य जाति के थे वो लोग आए और बापतिस्मा माने. Sometimes it is not happening in churches, but in our student, in my student ministry. You know, 68 people baptized in 1 year. कभी-कभी चर्च में ये चीज़ नहीं होता है, लेकिन मैं जब स्टूडेंट था, 68 आदमी एक ही साथ बाप्तिस्मा लिया। Hallelujah! Hallelujah! And there was a big function, there was a big celebration in the university. और वहाँ पर बहुत बड़ा एक आनंद मनाया, उत्सव जैसा मनाया। Even second year, I was awarded with gold medal for the evangelism. Hallelujah! दूसरा साल सुसमाचार प्रचारक के रूप में मुझे गोल्ड मेडल मिला. हालेलुया. व्हेन आई एम नॉट गोइंग टू द फाइनल ईयर द सेकंड ईयर इटसेल्फ आई वाज गोल्ड मेडल. मैं मेरे को आखिरी साल तक जाना नहीं पड़ा, सेकंड ईयर में ही मुझे मिल गया. हालेलुया. थर्ड ईयर दे मेड मी चेयरमैन ऑफ एवेंजल. तीसरा साल उन्होंने मुझे सुसमाचार प्रचार का चेयरमैन. एंड द वन ईयर आई गॉट गोल्ड मेडल फॉर माय एकेडमिक्स एंड द बेस्ट लीडर्स इन 3 इयर्स. और पहला साल मैंने गोल्ड मेडलिस्ट के रूप में रहा, बाकी साल मैं सबका लीडर होता. सो 3 गोल्ड मेडल आई रिसीव इट इन 3 इयर्स. 3 साल में मैं 3 दो गोल्ड मेडल मुझे मिले. हालेलुया. लुक एट हाउ इट हैपेंड. आप सोचिए कैसे ये हुआ. विलेज बॉय, मैं गांव का मैं रहने वाला था, देहाती लड़का, नो बेसिक्स,
एजुकेशनल फाउंडेशन कुछ मुझे अच्छा कुछ पढ़ाई नहीं था नो बैकग्राउंड कुछ बैकग्राउंड मेरा अच्छा नहीं था ओनली थिंग आई रिसीव बैप्टिज्म का पुलिस एक ही चीज देखा कि मैं पवित्र आत्मा बैप्टिस्ट हालेलुया जब आप पवित्र आत्मा में अभिषेक होंगे एंड यू हैव अ दुनामिस आपको अंदर में जब आपका अंदर में दुनामिस आएगा व्हाट यू according to dunamis according to the power working in you whatever you ask and whatever you think more than that god will do jab wo dunamis aapke upar aayega aap kya sochte hain kya mante hain usse adhik prabhu karega praise the lord so we read this acts chapter 1 verse 8 prem to ka kaam uska ek uska 8 pad zara padhiye jab pavitra aatma tum par aayega tab tum samarth paoge When you receive Holy Spirit, you will receive dunamis, unity, receive power, samarth. जब आपके ऊपर पवित्र आत्मा आएंगे, तब आप सामर्थ पाएंगे. Praise the Lord. So receive samarth, you receive power to go to Jerusalem, Judea, Samaria, even to the uttermost part of the world. जब आप सामर्थ पाएंगे, तब जेरुसलम, यहूदा, समरिया और दुनिया के चौर तक आप जाएंगे. I never thought in my life. You know, till my student career, you know, I will travel more than 100 miles away from my village. मैं कभी भी नहीं सोचा था कि 100 किलोमीटर से दूर मैं जाऊंगा बोल. Yeah, our dear, this town is 30 kilometers from us. जो हमारा पास में एक शहर था 30 किलोमीटर का. Another town is somewhere around 60-70 kilometers. 60 किलोमीटर का बाद और एक टाउन था. So if at all I can go up to that town. मैं वहाँ टाउन तक जाने के लिए भी नहीं सोच पा रहा हूँ। दो दिन वेरेवर यू गो यू हैव टू वॉक एंड गो। जब तक आपको जाना है तो चल चल के ही जाना पड़ेगा। यू नो ओनली वंस इन अ डे वन बस विल कम। और दिन में एक ही बार एक ही दो बस आता है। समटाइम दैट टक समटाइम इट डोंट कम। कभी कभी वो बस भी उस दिन नहीं आता एक दिन। वन डे आई वॉक 50 किलोमीटर बिकॉज़ दैट डे बस डिड नॉट कम। और एक दिन ऐसा हुआ कि बस नहीं आया था 50 किलोमीटर में पैदल चल के गया सो आई नेवर हैव थॉट इन माय लाइफ आई विल ट्रैवल मोर देन 100 किलोमीटर मैं कभी सोचा भी नहीं था कि 100 किलोमीटर से अधिक मैं चलूंगा बोला तो आप बाइबल से लेकिन बाइबल क्या कहता है द होली स्पिरिट कम अपॉन यू जब पवित्र आत्मा आपको बुलाएंगे हालेलुया हालेलुया ही विल मेक यू टू ट्रैवल वो आपको ले जाएंगे प्रेज द लॉर्ड प्लेस टू प्लेस और जगह पर जगह जेरुसलेम जेरुसलेम Our Jerusalem is what? Gajapati district. हमारा जेरुसलम क्या है? गजपति district. Your Jerusalem is what? आपका जेरुसलम क्या है? What is this? Jamundipa. हाँ, Jamundipa. This is from Jerusalem, then Judea. Jerusalem से जुदा. Then Samaria. उसके बाद Samaria. And uttermost part of the world. दुनिया की चोर से. That is the ability God will give to us. प्रभु वो सामर्थ हमें देता है। The power God will give to us। प्रभु वो सामर्थ हमको देता है। Praise the Lord। Praise the Lord। I never thought I will travel out of my state। मैं सोचा भी नहीं था मेरा वो जो राज्य से बाहर जाऊंगा। The Holy Spirit took me to Karnataka। लेकिन प्रभु के आत्मा ने मुझे कर्नाटक लेके गया। Took me to Kerala। और हमको केरला लेके गया। Took me to Tamil Nadu। तमिलनाडु लेके गया। Now took me to Andhra Pradesh। आंध्र प्रदेश लेके गया। Took me to North India। North India लेके गया। Hallelujah। Hallelujah। हरियाणा। हरियाणा। Then what is that? Punjab। पंजाब। दिल्ली। दिल्ली। भोपाल। भोपाल। उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। Hallelujah। Hallelujah। So this is like Judea। ये जुड़ा का देश है। But God want to take us beyond। लेकिन उससे भी अधिक प्रभु ले जाना चाहता है। 2001 2001 में God took me to Singapore। प्रभु ने मुझे सिंगापुर लेके गया। Hallelujah। Hallelujah। And 2002 में God took me to Malaysia। प्रभु ने मुझे मलेशिया लेके गया। And 2007 2007 में God took me to Africa। अफ्रीका मुझे लेके गया। Hallelujah। Hallelujah। 2010 2010 में God took me to Philippines Philippines को लेके गया Hallelujah then 2013 2013 में God took me to America America लेके गया Hallelujah Hallelujah again next year दूसरा साल God took me to America फिर America लेके गया last year आखिरी साल God took me to the Canada हम Canada लेके गया Hallelujah Hallelujah Praise the Lord Praise the Lord God said I will take you to the uttermost part प्रभु
उन्होंने देखा कि जन्म से वो लंगड़ा था एंड ही वाज
community वो लोग मछली पकड़ने वाले थे but they got that dunan लेकिन उन्होंने उस dunan में जो शक्ति को पाए silver and gold we have no but we have ability dunan हमारे पास सोना चांदी नहीं है लेकिन उस पवित्र आत्मा का सामर्थ्य है so in the name of jesus और यीशु मसीह का नाम से so he hold the hand और उसका हाथ को पकड़ा hallelujah hallelujah Peter and John, they Peter united John. In the spirit. Peter and John, उसको देखा. And when he lifted him, आज जब उसने उसको देखा, his legs, his ankles, everything becomes strong. उसका पांव वो सब ताकत आ गया चलने लगा. This is a dunamis. ये इतना वो का सामर्थ्य. Then he started walking and jumping, going to the temple. आज तब उसने नाचने लगा, कूदने लगा. This is the power of God. ये प्रभु का सामर्थ्य हालेलुया हालेलुया एबिलिटी दिस इज नॉट आवर एबिलिटी एबिलिटी ऑफ ये सामर्थ्य है हमारा ताकत से नहीं हमारा सामर्थ्य नहीं परमेश्वर का सामर्थ्य सो इन माय मिनिस्ट्री आई हैव सीन मेनी मेनी मिरेकल्स मैंने हमारे सेफकेयर में बहुत आशीष काम देखे एंड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मिरेकल और सबसे बड़ा एक मिरेकल है आशीष जी का नाम पर मेनी इयर्स से तो कुछ साल का आगे ये चीज हुआ था द ग्रेट ग्रेट पावर ऑफ गॉड डायनामिक्स मैनिफेस्टेड तो उनका बड़ी सामर्थ्य दिखाई दिया वन फैमिली दे आर नॉन क्रिश्चियन हिंदू एक परिवार वो हिंदू थे वो लोग प्रभु को नहीं जानते थे एंड इन आउट ऑफ दैट कम्युनिटी दैट मैन सो वन मैन ही वाज ड्रग एडिक्ट ही वाज ड्रंकर्ड फॉर मेबी 30 इयर्स 40 इयर्स एंड ही गेव हिज लाइफ टू जीसस और 30 साल का आसपास एक आदमी वो बहुत नशा सब लेता था उसने प्रभु को ग्रहण किया एंड ही वाज कन्वर्टेड और उसने प्रभु को ग्रहण किया चेंज हुआ ही वाज बप्टाइज उन्होंने बपतिस्मा लिया बट समथिंग हैपेंड इन हिज हाउस हिज मदर वाज बिकम सिक लेकिन ऐसा हुआ कि उसका मां बीमार में पड़ गया लिसन केयरफुली ध्यान से आप लोग सुनिए एंड मदर बिकम सिक विद द थ्रोट कैंसर उसका मम्मी का उसका मां का गला में कैंसर हो गया स्लोली एग्रेवेटेड एंड शी बिकम सीरियस और धीरे धीरे वो बढ़ते गया और सीरियस हो गया शी कुड नॉट ईट एंड ड्रिंक और वो कुछ खा नहीं सकता था कि कुछ पी नहीं सकता था स्लोली शी स्लिप्ड इनटू कोमा और वो कोमा में वो अचेत अवस्था में हमेशा रहा एंड फ्यू डेज गॉन शी स्टार्टेड स्टिंकिंग और कुछ दिन के बाद वो कसने लगा यस स्टिंकिंग स्मेल बॉडी स्मेल उसका गंदाने लगा and that time they understood that she is that her time of death is very dear aur wo log jaan gaya ki abhi unka marne ka time hai and they came to church jaan usne church ko aaya and he told to me they told to us my mother is in the point of death aur unhone aakar ke bola ki mera maa abhi marne ka halat mein hai she slipped into coma with throat cancer and now she is thinking aur wo gala ka कैंसर से वो सीरियस है मरने का हालत मैं भी टू और थ्री डेज और दो तीन दिन के बाद हो सकता है मर सकते मर जाए दैट इज द टाइम क्रिसमस टाइम और उस समय क्रिसमस का टाइम था दे केम टू चर्च दे कम फ्रॉम फार प्लेस 15 किलोमीटर अवे 15 किलोमीटर के अधिक दूर से वो लोग वहां आए थे द मैन एंड द वाइफ केम एंड टोल्ड सर सो व्हाट वी विल डू माय मदर वुड डाई बिकॉज़ वी आर ऑल नॉन क्रिश्चियंस हिंदूज Can you cremate her according to your right, or you want to come and bury her? वो लोग बोले कि हम ये माँ को लेके क्या करेंगे? तो आप हमको क्या समझा सकते हैं? हम लोग उसको गाड़ेंगे क्या करें? Because according to our rituals, you know Hindu custom, we will do it. Or according to Christian custom, we will do it. उसने बोला कि हम लोग हिंदू रीति के अनुसार उसको जलाएं या वैसे करें या क्रिश्चियन के हिसाब से हम लोग कवर ऐसे उन्होंने पूछा बट आई सेड नो नो यू आर द सन वी आर बप्टाइज्ड वी आर क्रिश्चियन सो वी विल कम एंड बरी हर प्रे एंड बरी हर तो इसलिए मैंने उनको बोला कि आप प्रभु का संतान है आप बपतिस्मा लिए हैं हम लोग जाएंगे उनको कवर देंगे एंड देयर यू नो दे वांट टू गो एंड सेट द सिमेट्री इन देयर एरिया और उन्होंने जाकर के जैसे कवर जहां दिया जाता है वो लोग वो जगह को दिए दैट इज द टाइम और उसी समय जी दैट्स द टाइम माय वाइफ सेड हां यू आर प्रिपेयरिंग टू बरी हर व्हाई यू आर नॉट प्रेइंग फॉर हर और उस समय मेरा स्त्री बोला काहे को उसको आप कवर देने के लिए जाएंगे क्यों उसके लिए आप प्रार्थना नहीं करते व्हेन शी सेड दैट हालेलुया और उसने मुझे कहा माय स्पिरिट वाज चार्ज और मेरा आत्मा चार्ज हो गया हालेलुया हालेलुया फॉर पास्टर इज नॉट गुड थिंग्स टू गो एंड यू नो बरी एक पास्टर के लिए जा करके कवर देना अच्छा
परमरिया क्यों आप उसके लिए दबर देने के लिए जा रहे हैं उसके लिए क्यों आप प्रार्थना नहीं करते देन इमीडिएटली द होली स्पिरिट केम ऑन मी एंड जब उसी समय तुरंत पवित्र आत्मा हालेलुया हालेलुया आई कॉल दैट यू नो द हस्बैंड एंड वाइफ कम ऑन और मैं उस आदमी और औरत को बुलाया कम वी प्रे फॉर योर मदर हम लोग आपका मम्मी के लिए प्रार्थना करेंगे वी प्रे फॉर हीलिंग और मैं उसका हीलिंग के जगह के लिए प्रार्थना करूंगा यू कम फ्रॉम फार प्लेस सो और आप दूर से आए राइट नाउ आई कैनॉट कम देयर मैं वहां नहीं जा सकता आफ्टर 2 डेज और 3 डेज आई विल कम मैं 2-3 दिन के बाद वहां जाऊंगा आफ्टर मीटिंग्स एंड क्रिसमस फंक्शन प्रोग्राम्स आई विल कम ये प्रोग्राम वो सब होने के बाद ही मैं वहां जाऊंगा बट आई जस्ट टुक ए ऑयल मैं एक तेल को लिया एंड आई होली मैं उसको पकड़ा आई प्रेड एंड एनॉइंटेड इट मैं उसको प्रार्थना किया और अभिषेक किया एंड ही सेड आई कांट कम नाउ बट यू टेक दिस एनॉइंटिंग ऑयल एंड यू अप्लाई एंड प्रे फॉर योर वाइफ और ये तेल को आप लीजिए मैं वहां नहीं जा सकता आप हमेशा तेल को लगाइए प्रार्थना कीजिए एंड एवरी डे मॉर्निंग एंड इवनिंग Is they apply oil and they are praying for mother. और हर एक दिन सुबह और शाम वो लोग तेल लगा करके प्रार्थना करते हैं. And third day, तीसरा दिन, I'm supposed to go that day. मैं वहाँ वहाँ जाने का था. Something happened. आप कुछ हुआ? The old lady died. और वो जो बूढ़ी माँ वो मर गई. Then according to Hindu custom, they put outside of the house. हिंदू का रीति रिवाज के अनुसार उसका डेड बॉडी को वो घर का बाहर में रखा they don't keep inside और उसको अंदर में नहीं रखा there all people gathered crying और सब आदमी बाहर से आए थे सब रो रहे थे they sent news to every relatives to come और सबका वो लोग रिश्तेदार लोग को बुलाए कि आने के लिए and that is the time that in a son also was on the job so he also running and crying and coming और उसका लड़का जो काम करता था वो भी दौड़ करके वहां पर आया by that time all gathered there और वहां जब सब जमा थे you know some miracle happened supernatural power वहां कुछ अनोखा शक्ति काम किया dunamis came on that holy hallelujah and she stood right way और वो वहां से उठा praise the lord hallelujah she stood वो खड़ा हो गया she looked at everybody और सबको देखने लगा and she could not understand why all these people are there और उन्होंने बता रहे क्यों आप लोग यहां पर सब जमा हुए हैं nobody is able to talk to that lady और कोई उसको कुछ बताने नहीं सकता all are amazed सबको आश्चर्य हो जाता hallelujah hallelujah whether this is ghost or this is that old lady ये भूत है कि वो वही आदमी वही बूढ़ी है all are looking at her सब कोई उसको और देख रहा है and she started walking to her house और वो उसका घर पे और गया hallelujah hallelujah all are looking at she started walking to her house और सब कोई देख रहा था कि वो घर की ओर जा रहा है then her house is the second floor और दूसरा महला में उसका घर था she climbing the steps और वो सीढ़ी को चढ़ा and she looking at people और वो आदमी लोग को देखता climbing the steps और वो सीढ़ी को चढ़ रहा looking at people और लोगों को देख रहा she went to her room और उसका घर को उसने किया and she said I'm hungry और उसने बताया कि मैं भूखा हूँ I'm thirsty मेरे को प्यास लग रहा hallelujah hallelujah she drank she ate और उसने पिया और खाया everything was normal सब कुछ normal हुआ all diseases ran away उसका जो शरीर में जो बीमारी था वो चला गया strong और वो strong हो गया ताकतवर it happens Thursday or Friday और ये गुरुवार है शुक्रवार and those times no cell phone and all these people don't have to you know can communicate to me और उस समय कुछ phone उनका उतना सब सुविधा नहीं था so that's why I'm waiting whether you know they'll call me to go you know they'll come and call me for burials I'm waiting for the burials मैं उस समय मैं देख रहा था कि क्योंकि फोन फोन नहीं था वो लोग आएगा तो मैं जाऊंगा वहां पर उसको कवर देने के लिए संडे आई एम वेटिंग और संडे तक मैं इंतजार किया संडे आई एम प्रीचिंग लाइक दिस संडे को मैं प्रचार ऐसे कर रहा था एंड आवर डोर इज फ्रंट ऑल पीपल लुका और हमारा जो दरवाजा पूरा सीधा में था द ओल्ड लेडी विद द रेड साड़ी और वो लाल साड़ी पहनते हुए वो ओल्ड लेडी वो एक लेडी आई एंड शी रन इनसाइड द चर्च और वो चर्च के अंदर आ रहा आई वाज शॉक मैं घबरा गया They told she would die, but she's running and coming. लेकिन सबको ये बोल रहा था कि मर गया वो तो चर्च आ रहा. Hallelujah. Hallelujah. They came to church and they started crying and praising and worshiping. और then telling the testimonies, the mother was dead, Jesus raised. और वो लोग चर्च आया फिर गवाही दे सबको भी बोल रहे मेरा माँ मर गया था अभी जिंदा है. Hallelujah. 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 Our God is a living God. हमारा ईश्वर जीवित भर yesterday today forever he is same kal aaj jugane jugo ek sa according to the dunamis according to the power
He does more than what we ask and think. आप जो सोचते हैं मांगते हैं उससे बढ़ करके वो शक्ति काम करता है. Sometimes we think, you know, we pray for healing. Why she died? हम लोग उसके चेहरे के लिए प्रार्थना क्यों मर गया? Then one word came to me. तब एक वचन मेरे पास आया. See, God does more than what we ask. प्रभु हमारा मांगने से अधिक सोचता है. What we ask for only healing. हम लोग सोचते हैं वो खाली चंगाई पाने के लिए. But Jesus said, I will do more than healing. लेकिन यीशु मसीह बोलते हैं चंगाई से भी बढ़कर के मैं करूँगा. I will raise the dead. मैं मुर्दा को जिंदा करूँगा. Hallelujah. We are asking for healing, but I will do more than that. लेकिन आप खाली चंगाई के लिए जाते, लेकिन प्रभु बोलते हैं मैं उससे अधिक करूँगा. I will clean her and bring her back to life. मैं उसको मारूंगा फिर उसको जिंदा करूँगा. Hallelujah. After beating and scolding, they
और मैं वहां जाने के बाद उन्होंने मेरे पास उसको लेकर मैंने उनको बोला कि उन्होंने जो पकड़े थे मैंने बोला कि उनको छोड़ दीजिए उसको यहाँ पर रहने दीजिए. Then I started talking to her. मैं उसके लिए उसके साथ बातचीत करने लगा. What is your name? तुम्हारा नाम क्या है? Then he said we are seven. और उसने बताया हम लोग सात हैं. We were in the tree. मैं हम लोग मैं on the tree. बेड में रहता था. And we came here. We came to her. और हम उसके अंदर में आए. We are seven but four gone and three are here. हम लोग सात थे लेकिन चार चले गए और तीन. When I was talking to her, जब मैंने उसके साथ बातचीत कर रहा था, demon said, और शैतान ने कहा, fire is coming out of you. और आपके अंदर से आग आ रहा. Hallelujah. Hallelujah. I'm burning. I'm getting burned. और मैं जल रहा हूँ बोल रहा. Hallelujah. Hallelujah. That's what Jesus said. इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, Holy Spirit will come. जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, baptize you with the Holy Spirit and fire. और उसने तुमको पवित्र आत्मा में आग में बपतिस्मा देगी. Hallelujah. Hallelujah. Baptism means God in you and with you. बपतिस्मा का अर्थ है प्रभु आपका अंदर में है, ईश्वर आपका अंदर में और आपका साथ में. So he comes to you and work with you. और वो आपका साथ में और आपका साथ में काम करता है. Praise the Lord. Hallelujah. The true Holy Spirit God dwell in you and with you. पवित्र आत्मा का द्वारा ही ईश्वर आपका अंदर में रहते हैं और आपका साथ में रहते हैं. Praise the Lord. Hallelujah. If you read 21 verse 21 onwards. और उसका 21 वर्स से अगर आप लोग पढ़ेंगे. Okay, 20 verse 20 onwards. जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं वह उन्हें मानता है, वही मुझसे प्रेम रखता है और जो मुझसे प्रेम रखता है उसे मेरे पिता प्रेम रखेगा और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा. यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ बात करेंगे. हालेलुया. होली स्पिरिट पवित्र आत्मा का द बाइबल सेज गॉड कम्स एंड ड्वेल इन अस. परमेश्वर हमारा अंदर में रहेंगे. प्रेज द लॉर्ड. वर्स इफ एनीबॉडी एनीवन लव्स मी एंड ही विल कीप माय वर्ड्स माय फादर विल लव हिम एंड वी विल कम इन इंग्लिश वी विल कम टू हिम and make our home with him. यहाँ लिखा है कि इंग्लिश में ऐसे लिखा है कि जब कोई मुझे प्रेम करता है आज्ञा को मानता है हम लोग आएंगे और उनका साथ रहेंगे. हम लोग मींस हू हम लोग बोल रहे हैं इट इज नॉट सिंगुलर और एक ही जन का बात नहीं वो और हम लोग बोलने से क्या. जीसस सेड हम लोग वी विल कम. जीसस ने बोले कि हम लोग आए. जल्द भी हुआ थे अब बताइए उसको हम लोग बोलने से कौन. Okay. कितना आदमी
शैतान के लिए घर बनाता है. They don't want to give home for Jesus. वो लोग यीशु मसीह के लिए घर देना नहीं चाहता. Only for Satan. वो शैतान के. What Satan will do? शैतान क्या करेगा? चुट्टी धरेगा. Beat you? मारेगा. Kill you? वो आपको हत्या करेगा. Take you. और उसका पास ले. That is the doctrine of Satan. और वो शैतान का ही वो सिपाही. Come. Satan comes to steal, kill, destroy. इसलिए शैतान आता है कि वो चोरी करने के लिए, नाश करने के लिए, घात करने. Hallelujah. और Jesus said, who will come? इसलिए यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं इसलिए आया हूँ. Will come. हम लोग आएंगे. Stay with you. आपका साथ में रहेंगे. Make you our home. आपको हमारा घर बनाएंगे. Bless you. आपको आशीर्वाद दूंगे. What you are thinking? आप जो सोच रहे हैं. What you are planning? आप जो योजना बना रहे हैं. I will do more than that. उससे अधिक मैं करूंगा. Hallelujah. Hallelujah. When I started ministry, जब मैंने सेवा शुरू किया, only 11 number bus. 11 नंबर का बस खाली था. क्या 11 नंबर? 11 नंबर का बस समझ रहे हैं. छोटा पाव है. खाली चलता था. Walking and preaching in the street. मैं इधर उधर जाता था. Till the night preaching. और रात तक. After 11 नंबर. और 11 नंबर के बाद चल चल के प्रचार करने का. Somebody gave me a cycle, bicycle. एक जन मुझे साइकिल दी. When I got the cycle. जब मैंने साइकिल को पाया. I thought it was a Mercedes Benz car. और मैं सोचा कि वो Mercedes Benz. Hallelujah. Hallelujah. And he said, we will come, make a room. Hamlo
लोग आकर के घर बनाएंगे। हालेलुया हालेलुया। मेनी टाइम मेनी पीपल दे थिंक होली स्पिरिट इज अ स्मॉल डॉग, जब कभी कभी सोचते हैं कि पवित्र आत्मा जो है छोटा सा कबूतर, पपी पपी स्मॉल छोटा कबूतर है जैसे सोचते, और स्मॉल ट्यूब बल्ब छोटा एक लाइट है जैसे सोचते, और स्मॉल फायर कुछ आग को सोचते हैं। नो ऐसा नहीं है, बैप्टिज्म द होली स्पिरिट गॉड कम्स, पवित्र आत्मा का अभिषेक जो है वो परमेश्वर आता है, मेक रूम और वो मेक रूम तैयार करते हैं, मेक होम वो घर बनाते हैं, एंड यू बिकम द होम फॉर गॉड, और आप ही परमेश्वर के लिए घर बन जाते हैं, एंड गॉड विल वर्क फॉर यू, और प्रभु आपका द्वारा काम करते हैं। लास्ट वर्ड्स, लास्ट लास्ट वर्ड्स, आई एम नॉट कीपिंग यू अप टू 4 o'clock, मैं आपको 4 बजे तक नहीं रखूंगा, और लास्ट वर्ड्स, लास्ट वर्ड्स, हाउ मेनी अंडरस्टैंडिंग रियली, कितने आदमी ये बात को सब समझ रहा है, क्योंकि मैं शिक्षा देने के लिए चाहता हूँ, क्योंकि आपका जीवन बदल जाए, मालूम होना चाहिए आप कौन है, व्हाट गॉड कैन डू इन योर लाइफ, प्रभु आपका जीवन के द्वारा क्या कर सकते हैं, यू मे बी स्मॉल मैन, हो सकता है आप छोटा आदमी है, बट द वन हु इज इन यू इज नॉट स्मॉल, आपका अंदर में जो है वो छोटा नहीं है, इसीलिए वो हमारा सौभाग्य है कि हम सुसमाचार सुनाते हैं।
विश्वासी लोग हैं वो लोग चर्च आएंगे घर जाएंगे जैसे दे आर नॉट क्रिश्चियन दे आर चर्चियन वो लोग क्रिश्चियन को नहीं बोलते वो लोग चर्चियन चर्चियन मींस ओनली चर्चियन वो लोग चर्चियन चर्च आएंगे घर जाएंगे चर्च आएंगे घर चर्च आएंगे क्रिश्चियन नहीं चर्चियन क्रिश्चियन नहीं है चर्चियन बट वी हैव टू गो फॉर गॉड लेकिन आप ईश्वर के लिए जाना आप जाइए मैं आपके साथ में जा रहा हूँ आप बोलिए मैं तुम हाथ रखो मैं चंगा करूँगा उसने फोन करके मुझे बताया
master, can you come to? Are you coming to our village today? क्या हमारा गांव को आप आ सकते हैं? Yes, yes, I'm coming. तो मैं बोला कि हाँ मैं जाऊँगा. That's on Sunday. और वो संडे का दिन था. I'll go and conduct church there. Again, I'll come back to our city. मैं वहाँ जा करके चर्च करके फिर वहाँ आऊँगा. And I said I'm coming. मैं बोला कि मैं जा रहा हूँ. Then he said one sick man is there. He's, can you come and pray for him? और उसने बोला कि एक बीमारी आदमी है क्या आप आकर उसके लिए प्रार्थना कर सकते हैं? But he did not tell anything detail about him. But he's a sick man. लेकिन उसने डिटेल कुछ नहीं बताया लेकिन बताया कि बीमारी आदमी है. Then I said on the way to church I will just go to his house. I bless him, pray for him. And I come back to church and I'll return. मैंने उसको बोला कि ठीक है मैं रास्ते में जाऊंगा तो उसके घर जाऊंगा तो प्रार्थना करूंगा चर्च से आकर के फिर मैं आऊंगा. And you know, one girl was waiting for me on the road. And when I went, she took me to the house. एक लड़की वहाँ पर रास्ता में खड़ी थी मुझे ले जाने के लिए. मैं जब गया वो उसके घर को लेके गया. I never knew about his problem. मैं उसके problem के बारे में नहीं जानता था. But God said, लेकिन प्रभु ने क्या बताया? Kidney failure. 40 days he cannot drink water. 40 दिन तक वो कुछ भी नहीं सकता. No dialysis, no more chance. और कुछ उसका कुछ खून चेंज करने का उसको कुछ नहीं था. कुछ चांस नहीं था. He will die. वो मरने का अवसर. Then I went to his house. मैं उसका घर गया. I prayed for him. मैं उसके लिए प्रार्थना किया. Made him to stand. उसको खड़ा किया. And I told one word. मैंने एक ही शब्द कहा. Jesus healed you. और यीशु मसीह आपको चंगा किया. Yes, hallelujah. Hallelujah. And because of rush of time, I went to church. I didn't meet him again. और मैं बहुत कभी-कभी मैं चर्च को जल्दी जाता था. और उसके साथ मुलाकात नहीं करता था. And everybody told in the locality early in the morning he started walking in the street. लेकिन वहाँ का लोग बोले कि सुबह सुबह वो रास्ता में चल रही. And he started eating two idlis now. और अभी इडली खाना शुरू कर दिया. Hallelujah. Hallelujah. He started eating lunch. और दोपहर का खाना खाने के लिए. And next Sunday he comes to church. और दूसरा इतवार को चर्च है. Hallelujah. Hallelujah. Then I understood his seriousness of his sickness. मैं तभी मुझे समझ पाया कि उसके बीमारी. Then I told how you are healed. I asked how he healed. तो मैंने उसको पूछा कि कैसे आप चंगा हुआ. It's 40 days he did not drink water. 40 दिन तक पानी नहीं पिया. You were in the bed. और बेड में था. Doctors discharged you. और डॉक्टर उसको छोड़ दिया. You die. और मरने पर थी. Just I came for 2 minutes. और 2 मिनट मैंने आया. And I prayed and came back. मैं प्रार्थना करके आया. What happened to you? क्या हो गया? Then he told me, sir. You came praying for me. और आप आकर मेरे लिए प्रार्थना किए. And he told me one word. और आप मुझे एक ही बात बताएं. He told you are healed. आप बोले कि आप चंगा हो गया. बोलते हैं स्वयं गॉड हील. और इसलिए मैं चंगा हो गया. Then they put him in a
the hospital emergency ward, you know, very far. Are emergency ward mein bahut tez se log ja rahe the. They say they are going the 80 km speed. Are wo log bol rahe the 80 speed se hum log ja rahe the. At that time, you know, his son was in our city. He cried and came to and told me my dad is almost dying. Are uska ladka wo hamare shahar mein rehta tha. Main ja raha tha. Wo daud karke aakar ke bola ki mera papa is serious hai. And they are trying to contact you but your phone is, you know, out of reach. हम लोग उसको आपको कांटेक्ट करने के लिए चाहे लेकिन फोन नहीं लगा. Yes, can you pray for my father? क्या आप आकर के मेरे पिताजी के लिए प्रार्थना करेंगे? He's crying and he's crying. रो रहा है, रो रहा. Then I text a message and told to that sister, please call me. उसने पास्टर ने एक मैसेज दिया कि बोले कि आप मुझे कॉल कीजिए. Because the daughter used to attend our church. क्योंकि वो जो लड़की वो चर्च में आती थी. When they are going, they saw my message. जब वो रास्ता में जा रहे थे मेरे मैसेज को उन्होंने देखे. Then they called me back. उसने मुझे फोन किए. Then on the phone I asked, how is your daddy? मैंने फोन में उनको बोला कि आपका पापा कैसा है. Can you give phone to him? क्या हमारे फोन को उसको दे सकते हैं? The girl is crying. और वो लड़की रो रही. He said my father almost like that. और उसने बताया कि मेरा पापा अभी मरने का हालत में. You know, he became like stick. और वो लकड़ी का जैसा है. And then I said to her, जब मैंने उसको बताया, you just, you know, hold the phone. और आप फोन को पकड़िए. And you put your hand on the chest of your father. और आपका हाथ को पापा का छाती में रखिए. Then I pray for him. मैं उसके लिए प्रार्थना करूँ. I prayed for maybe not even 1 minute, you know, less than 1 minute. एक मिनट से कम नहीं, मैं उसके लिए प्रार्थना किया. Just I got a, you know, burden to pray for that man. जब उसके लिए मैंने बोझ के साथ प्रार्थना किया. God, this headmaster is a good man. और वो हेडमास्टर अच्छा आदमी है. And he comes to church. और वो चर्च को आता है. I don't want him to die. और वो मरना का मैं नहीं चाहता. Lord, you touch him and heal him. प्रभु आप उसको छुई और चंगा कीजिए. I got some compassion inside. मैं हमारे अंदर में एक उसके लिए एक तरस आया. I prayed in the name of Jesus. मैं यीशु मसीह का नाम में मैं उसके लिए प्रार्थना किया. Maybe 30 seconds I prayed. 30 seconds आसपास मैंने. And I dropped my phone. मेरा फोन को मैं बंद किया. What Jesus said? यीशु मसीह ने क्या बोला? You send word and I will heal. आज तूने वचन को भेजा. मैं चंगा कर. Hallelujah. Then I just pray for 30 seconds. I close. मैं 30 seconds प्रार्थना करने का बाद बंद किया. And this said, और उसने कहा, after even 30 seconds again, after maybe one, not even 1 minute, एक मिनट भी नहीं हुआ था, that man jumped on the car. और वो आदमी कार से जगने लगा. Hallelujah. Jumped and came back. और वो woke up. वो उठा. He woke up and he is in a different world. और वो दूसरा दुनिया में है. He's looking here and there. इधर उधर देख रहा. What is happening to me? क्या हो गया हमको? Hallelujah. Hallelujah. And he just hit to the vehicle, the car driver's seat, like this 2-3 times. And दो तीन बार वो driver का ऐसे बड़ा बोल. And he came to sense. और वो sense में आएगा. What is happening? Where you are taking me? क्या हो गया हमको? कहाँ लेके जा रहे? Understand what is happening. वो उसको समझ में आया. All were shocked. वो सब आश्चर्य. Hallelujah. Hallelujah. They reached the emergency ward. They checked. Doctor came and checked him. And doctor agar usko check kiya. And doctor said, why did you bring this normal man to hospital? Aur doctor ne bolta hai kyon ek sadharan aadmi ko tum hospital mein le aaye. Everything is okay. Sab kuch theek hai iska. And they said that as if they went to, you know, to the restaurant. They went to the restaurant, the AC restaurant, had a dosa and came back. Aur woh log AC restaurant mein gaya. Aur dosa usse kha kar ke aaya. Hallelujah. Hallelujah. The whole family gave their life to Jesus. और पूरा परिवार प्रभु को अपना जीवन दे. Praise the Lord. Hallelujah. That's what God said. Jesus said, इसीलिए प्रभु ने कहा, We will come. हम लोग आएंगे. Hallelujah. Hallelujah. Make your home. आपको घर बनाएंगे. Praise the Lord. Hallelujah. And we will work through you. आपका साथ में हम काम करेंगे. Praise the Lord. Praise the Lord. You lay hand, I will heal. We will heal. आप हाथ रखेंगे, मैं चंगा करूंगा. You send your word, we will heal them. आप वचन बोलेंगे, हम उसको चंगा. You speak, we will go and act. आप बोलेंगे, मैं उसको काम करूंगा. Praise the Lord. Hallelujah. That's what Jesus said. इसीलिए यीशु मसीह. My father is working. मेरा पिता काम कर रहे हैं. I am also working. मैं भी काम कर रहा हूँ. Hallelujah. You are also working. आप भी काम कर रहे हैं. We will work with you. हम लोग आपका साथ में काम. Our God is not idol God. हमारा परमेश्वर मूर्ति नहीं है, वैसे नहीं. He is
sitting and only you know enjoying. Oh, खाली बैठ करके देखने वाला नहीं है. He is working. Oh, चलने वाला. Father working. मेरा पिता काम कर रहे हैं. I am working. मैं काम कर रहा हूँ. Come back to you to work. मैं आपका साथ जा करके काम करूँ. Make you our work. मैं आपको करूँ. Hallelujah. 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 Yeah.